Okay, good morning guys. Let's start the session with revision again. Ind AS 116 leases ka revision karte hain. Humne abhi tak Ind AS 116 leases ke 4 parts padhe. Pehla applicability and scope, dusra meanings, bahut sari important definitions, teesra lessee ki books aur chautha lessee ke relation mein bahut sari kai baatein important points lessee ki. Theek hai, sabse pehle start karte hain part number 1 se. Part 1, applicability and scope. Ind AS 116 is applicable with effect from 1st April 2019, matlab financial year 19-20. Theek hai. Uske baad Ind AS 116 paanch cheezon pe applicable nahi hai. Paanch type ki leases par applicable nahi hai. Un cheezon ki leases agar hui bhi, to bhi koi dusre Ind AS baithe hue hain cover karne ke liye. Kaun se? BELIC. ठीक है ना, BELIC. तो ये क्या क्या होगा इसमें BELIC में? B फॉर बायोलॉजिकल असेट्स, E फॉर एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि Ind AS 41 रहेगा बायोलॉजिकल असेट्स और एक्सप्लोरेशन ऑफ मिनरल रिसोर्स में आपका रहेगा 106. L लाइसेंसेस, लाइसेंसेस किसके? वीडियो रिकॉर्डिंग्स, मोशन पिक्चर फिल्म्स वगैरह, इन सबके. ठीक है ना, Ind AS 38 रहेगा उस पर, वो राइट्स कवर करता है. तीसरा, चौथा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, और पांचवा सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स, जो Ind AS 115 में होगा, सी फॉर सर्विस कंसेशन अरेंजमेंट्स. ठीक है, उसके बाद Ind AS 116 के में दो एग्जम्पशंस दी गई हैं, दो चीजों पर एग्जम्पशन दी गई हैं कि आप चाहो तो इन दो चीजों पे Ind AS 116 ना लगाओ. एग्जम्पशन दिया गया है, आप चाहो तो लगाओ, चाहो तो ना लगाओ. कौन कौन सी दो चीजें हैं? शॉर्ट टर्म लीजेस और लो वैल्यू लीजेस. शॉर्ट टर्म लीजेस का मतलब होता है जहां पर लीज टर्म 12 महीने से कम हो, प्लस प्लस रिन्यूअल करने का सर्टेनिटी ना हो. मतलब अगर हमें रिन्यूअल करने का ऑप्शन दिया गया है तो इट इज सर्टेन कि हम रिन्यू नहीं करेंगे. मतलब हमारा लीज टर्म किसी भी हाल में 12 महीने से ज्यादा नहीं बढ़ेगा. ऐसे केस में वो लीज को शॉर्ट टर्म लीज बोलेंगे, और शॉर्ट टर्म लीज will not be, मतलब शॉर्ट टर्म लीज कैन बी एग्जेम्प्टेड अंडर Ind AS 116 के रिकॉग्निशन रिक्वायरमेंट से. अगर वो एग्जेम्प्ट हो गया तो Ind AS 116 नहीं लगेगा. दूसरा, लो वैल्यू लीजेस. लो वैल्यू लीजेस का मतलब असेट की वैल्यू बहुत ही लो है कंपेयर टू द मेन बिजनेस ऑपरेशन. और दूसरा, वो जो लो वैल्यू असेट है वो सेपरेट इंडिपेंडेंटली बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है. वो इंडिपेंडेंट असेट है, वो किसी दूसरी असेट के ऊपर निर्भर नहीं है, डिपेंड नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली आपको बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है. लाइक मोबाइल फोन्स, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, अगर उनका लीजेस लिया गया है तो ये लो वैल्यू लीजेस माना जा सकता है, पहला. और दूसरा, ये आप इंडिपेंडेंटली आप इनको यूज कर सकते हो. यू कैन नॉट, मतलब ऐसा नहीं कि इनको यूज करने के लिए किसी दूसरे असेट की हेल्प लगेगी, ठीक है. और तीसरा, इसका कंडीशन ये तीसरा क्या है? तीसरा कि आप लो वैल्यू असेट को अगर सबलीज पर दे रहे हो फिर आप ये लो वैल्यू असेट के ऊपर एग्जम्पशन नहीं ले सकते हो. तो मतलब तीन कंडीशन फुलफिल होना जरूरी है. पहला, असेट की वैल्यू लो होनी चाहिए. हाँ, असेट इंडिपेंडेंट सेपरेट सेपरेट होना चाहिए, यूजफुल फॉर यूज, कैन बी यूज सेपरेटली. और तीसरा, सबलीज पे नहीं होनी चाहिए. ठीक है, ये कवर हो गया. फिर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस. इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस में इंसेप्शन वर्सेस कमेंसमेंट. इंसेप्शन मतलब डेट ऑफ कमिटमेंट और डेट ऑफ एग्रीमेंट, विच एवर इज अर्लियर. कमेंसमेंट मतलब द डेट एट विच द असेट इज एक्चुअली अवेलेबल फॉर यूज टू द लेसी. ठीक है, व्हाट इज द रिलेवेंस ऑफ इंसेप्शन? इंसेप्शन डेट का रिलेवेंस क्या है? इस डेट पर हम आइडेंटिफाई करते हैं कि लीज कॉन्ट्रैक्ट है कि नहीं, डिस्काउंट रेट आइडेंटिफाई करते हैं, राइट, प्रेजेंट वैल्यूज वगैरह आइडेंटिफाई करते हैं, फेयर वैल्यूज आइडेंटिफाई करते हैं. कमेंसमेंट डेट क्या होता है? कमेंसमेंट डेट का रिलेवेंस क्या होता है? इस डेट से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है लेसर लेसी की. ठीक है, अच्छा, उसके बाद हमने पढ़ा लीज का डेफिनेशन. लीज क्या है? लीज एक कॉन्ट्रैक्ट है, या तो फिर कॉन्ट्रैक्ट का एक पार्ट है, अ कॉन्ट्रैक्ट और अ पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. वो कॉन्ट्रैक्ट आपको क्या दे रहा है? That gives right to control the use of identified asset. उस contract से आपको एक particular asset को use करने के rights obtain हो रहे हैं, rights मिल रहे हैं, ठीक है ना? Right to control the use of identified asset for a period of time against consideration. ठीक है, मतलब सीधी बात है, lessee के पास rights होना जरूरी है asset को use करने के. ठीक है, अब ये राइट्स कैसे जनरेट हो सकते हैं, कैसे आइडेंटिफाई किया जाएगा कि लेसी के पास एक्चुअली में राइट्स है?
दो तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा, दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ठीक है ना। राइट टू कंट्रोल द यूज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट होने के लिए लेसी के पास दो राइट्स होने चाहिए। कौन से दो राइट्स होने चाहिए? पहला, राइट टू ऑब्टेन द मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सब्सटेंशियल इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम द यूज ऑफ असेट। ये तब होगा जब लेसी के पास एक्सक्लूसिव यूज करने के राइट्स हो, ठीक है ना। क्या होगा जब एक्सक्लूसिव यूज करने के राइट्स हो, तब उसके पास मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स आ जाएंगे। ऐसे केस में इकोनॉमिक बेनिफिट्स को आप बोल सकते हो कि इंक्रीज ऑफ रेवेन्यू अगर हो रहा है तो उसको इकोनॉमिक बेनिफिट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दूसरा राइट उसके पास कौन सा होना चाहिए? राइट टू डायरेक्ट द यूज। वो कैसे यूज करेगा, कब यूज करेगा, किस पर्पस के लिए यूज करेगा, उसके पास ऑपरेटिंग राइट्स लेसी के पास अगर होंगे तो माना जाएगा कि वो उसके पास राइट टू डायरेक्ट द यूज है। राइट टू डायरेक्ट द यूज का मतलब होता है हाउ एंड फॉर व्हाट पर्पस द एसेट इज टू बी यूज। ये चीज लेसी का डिसीजन मेकिंग रहेगा, मतलब मेन डिसीजन मेकिंग किसके पास होना चाहिए? लेसी के पास, कि मैं एसेट को कैसे यूज कर सकता हूं। मेरे ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होने चाहिए एक्सेप्ट जो जनरल रिस्ट्रिक्शन रहती है, ठीक है ना। अच्छा, ये चीज हो गई राइट टू कंट्रोल। नाउ आइडेंटिफाइड एसेट। आइडेंटिफाइड एसेट का मतलब क्या होता है? आइडेंटिफाइड एसेट का मतलब होता है कि योर असेट मस्ट बी फिजिकली डिस्टिंक्ट। आपकी फिजिकली डिस्टिंक्ट मतलब एक पहचानने योग्य होनी चाहिए, एक अलग सेपरेबल होनी चाहिए। अब फिजिकली डिस्टिंक्ट कब मानी जाएगी? या तो वो एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाइड हो एग्रीमेंट में, बताया गया हो कि कौन सी वाली असेट है, उसका मॉडल नंबर, उसका स्पेसिफिकेशन बताया गया हो, उसका कलर अगर ऐसा कुछ है तो, मतलब वॉट एवर द थिंग्स आर, उसको एक्सप्लिसिटली एग्रीमेंट में बताया गया है कि कौन सी असेट लीज पर दी जा रही है। या तो अगर नहीं बताया गया तो कंडीशन ही ऐसी है, असेट ही ऐसी है कि वो इंप्लाइडली बता रहे हैं, बताया जा रहा है कि असेट तो वही रहेगी, तो इंप्लिसिटली वो स्पेसिफाइड होनी चाहिए, मतलब इंप्लाइड होनी चाहिए एट कमेंसमेंट डेट पर। साथ ही साथ सप्लायर के पास क्या नहीं होना चाहिए? सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं होने चाहिए। सप्लायर के पास सब्सटेंटिव सब्स्टिट्यूशन राइट नहीं होने चाहिए, एक्सेप्ट हमने एक नया पॉइंट लिखा था यहां पर। क्या पॉइंट लिखा था? एक्सेप्ट क्या? सप्लायर के पास एक नॉर्मल राइट्स हो सकते हैं कि वो ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी अगर असेट की हो रही है तो वो उस सेंस में सब्स्टिट्यूशन कर सकता है, तो इनको वो सब्स्टिट्यूशन राइट्स नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। अच्छा, ये हो गई आइडेंटिफाइड असेट। पीरियड का मतलब, पीरियड का मतलब क्या होता है? अमाउंट ऑफ यूज। पीरियड डिनोट करता है आपका अमाउंट ऑफ यूज। इसमें नॉन कंसेक्यूटिव पीरियड भी आ सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? अच्छा, फिर हमने देखा था तीन टाइप के पीरियड होते हैं, नॉन कैंसिलेबल पीरियड, कैंसिलेबल पीरियड, रिन्यूअल पीरियड। नॉन कैंसिलेबल पीरियड मतलब इनफोर्सिएबल बाय लॉ, मतलब ना लेसी ना लेसर विदाउट इंटीमेशन विदाउट एनी पेनल्टी वो कैंसिल नहीं कर सकते। अगर कैंसिल करेंगे तो विद इंटीमेशन करेंगे, प्लस उनको पेनल्टी भी अच्छे खासा देना पड़ेगा टू कॉम्पनसेट द अदर पार्टी। दूसरा कैंसिलेबल पीरियड मतलब जो नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ है, मतलब दोनों के पास अथॉरिटी है कि वो विदाउट एनी इंटीमेशन टू अदर पार्टी पीरियड को कैंसिल कर सकते हैं, पीरियड को कैंसिल कर सकते हैं। तो ऐसे केस में वो पीरियड तो इंक्लूड नहीं होना चाहिए। हाँ, नहीं होना चाहिए, पर हम इंक्लूड कर सकते हैं अगर रीजनेबल सर्टेनिटी है कि ऐसा कभी हो ही नहीं वाला, मतलब हम कैंसिलेबल पीरियड का ऑप्शन कभी एक्सरसाइज नहीं करेंगे, राइट। और तीसरा है आपका रिन्यूअल पीरियड। रिन्यूअल पीरियड मतलब और आगे बढ़ाने का ऑप्शन जो रहता है, रिन्यूअल पीरियड मतलब रिन्यू करने का ऑप्शन, ठीक है, ऑप्शन टू रिन्यू फॉर अनदर टर्म। नाउ लीज टर्म में तीनों पीरियड आ सकते हैं क्या? लीज टर्म में पहला नॉन कैंसिलेबल पीरियड तो आएगा ही आएगा, दूसरा रिन्यूअल पीरियड तभी आएगा जब सर्टेन हो कि रिन्यू करवाएंगे, कैंसिलेबल पीरियड तभी आएगा जब सर्टेन हो कि टर्मिनेशन नहीं होगा, मतलब कैंसिलेबल पीरियड में टर्मिनेट नहीं करेंगे इस चीज की सर्टेनिटी होनी चाहिए, ठीक है। ठीक है, अब आते हैं पार्ट थ्री पे, बुक्स ऑफ लेसी, जो हमने कल अच्छे से इस पे डिस्कशन किया था, हमने पढ़ाई भी की थी इस पे। क्या है पार्ट थ्री में? सबसे पहले हमने पार्ट थ्री में पढ़ा था कि लेसी की बुक्स में कैसे रिकॉर्डिंग होती है लीजेस की, ठीक है। वैसे केस में क्या करते हैं? लेसी दो चीजें रिकॉर्ड करता है। कौन सी दो चीजें? आरओयू असेट रिकॉर्ड करता है और लीज लायबिलिटी रिकॉर्ड करता है। सबसे पहले अपन बात करेंगे इनिशियल रिकॉग्निशन की। किसकी बात करेंगे? इनिशियल रिकॉग्निशन की। इनिशियल रिकॉग्निशन में सबसे पहले हम बात करेंगे लीज लायबिलिटी की। पहले आरओयू असेट की नहीं बात करेंगे, पहले किसकी बात करेंगे? लीज लायबिलिटी। लीज लायबिलिटी को क्या माना जाएगा? फाइनेंशियल लायबिलिटी एज पर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंडेस 109। लीज लायबिलिटी को कैसे बुक करोगे?
प्रेजेंट वैल्यू पे। किसका प्रेजेंट वैल्यू? जितना भी तुम रिमेनिंग लीज पेमेंट देने वाले हो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट्स। अब लीज पेमेंट में क्या आता है? लीज पेमेंट क्या आता है? फिक्स लीज पेमेंट्स, इन सब्सटेंस लीज पेमेंट्स जो कि अनअवॉइडेबल है, वेरिएबल है बट अनअवॉइडेबल है। इंसेंटिव्स अगर आपको मिल रहा है तो वो लेस करोगे, प्लस पेनल्टीज। पेनल्टीज कब? इफ सर्टेन टू टर्मिनेट, इफ सर्टेन टू टर्मिनेट द कॉन्ट्रैक्ट। परचेज ऑप्शन, इफ सर्टेन टू परचेज अवेल द ऑप्शन। और वेरिएबल लीज पेमेंट्स ओनली बेस्ड ऑन इंडेक्स एंड रेट्स और जीआरवी। ये लीज पेमेंट का हिस्सा होगा। किसका हिस्सा होगा? ये लीज पेमेंट का हिस्सा होगा, ठीक है ना। प्रेजेंट वैल्यू की जाएगी किस पे? डिस्काउंटिंग रेट पर। डिस्काउंटिंग रेट में क्या लेंगे? या तो लेसर का आईआरआर, इंप्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट, या तो फिर लेसी का इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट। अच्छा, आरओयू असेट में क्या आएगा? आरओयू असेट कॉस्ट पे बुक होगी। किस पे बुक होगी? कॉस्ट पे। अब वो कॉस्ट पे कैसे बुक करेंगे? लीज लाइब्रेरी जितने भी आपने मेजर किया सेम टू सेम, प्लस ऑलरेडी जो आपने पेमेंट कर लिया डाउन पेमेंट बिफोर और एट द टाइम ऑफ कमिसमेंट, प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, लेस एनी इंसेंटिव रिसीव्ड, और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग। हाँ, अगर अपन ने वहां पे माइनस कर दिया तो यहां पर अलग से माइनस नहीं होगा एक्चुअली में, फिर अलग से माइनस नहीं होगा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, और क्या बोला था अपन ने लास्ट में? डिसमेंटलिंग, डिसमेंटलिंग कॉस्ट प्रेजेंट वैल्यू पे, ठीक है ना। अच्छा, उसके बाद सबसेक्वेंट मेजरमेंट, सबसेक्वेंट मेजरमेंट एट बैलेंस शीट डेट। सबसेक्वेंट मेजरमेंट में क्या होगा? आरओयू का सबसेक्वेंट मेजरमेंट और लीज लायबिलिटी का सबसेक्वेंट मेजरमेंट। आरओयू का सबसेक्वेंट मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे? इधर कॉस्ट मॉडल अप्लाई करेंगे या तो फिर रिवैल्यूएशन मॉडल अप्लाई करेंगे इंडेस 116 के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। और उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। डेप्रिसिएशन के लिए यूजफुल लाइफ क्या होनी चाहिए, पीरियड क्या होना चाहिए डेप्रिसिएशन का, डिपेंड करता है कि परचेज ऑप्शन हम अवेल करने वाले हैं कि नहीं करने वाले हैं। अगर परचेज ऑप्शन अवेल करने वाले हैं तो इंटायर यूजफुल लाइफ, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ। अगर नहीं करने वाले हैं तो यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर। आई बात समझ में कि नहीं? यूजफुल लाइफ और लीज टर्म विच एवर इज लोअर, क्लियर। अच्छा, लीज लायबिलिटी का क्या ट्रीटमेंट होगा? लीज लायबिलिटी को कैसे ट्रीट करेंगे? बैलेंस शीट डेट पर फाइनेंशियल लायबिलिटी मानते हुए हर साल उसके ऊपर इंटरेस्ट निकालेंगे। जब भी हम पेमेंट करेंगे तो वो डेबिट हो जाएगा, ठीक है ना। क्या लिखा है? रिकॉग्नाइज इंटरेस्ट एक्सपेंस एंड इंक्रीज द लायबिलिटी। एंट्री लिखा हुआ इंटरेस्ट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी अकाउंट। दूसरा, रिड्यूस द लीज लायबिलिटी बाय अमाउंट ऑफ पेमेंट। पेमेंट करेंगे तो क्या एंट्री होगी? लीज लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। अरे क्लियर है कि नहीं? अच्छा, लीज लायबिलिटी को रीमेजर किया जाएगा ड्यू टू कौन कौन से कारण से? मार्केट कंडीशंस, नॉन मार्केट कंडीशंस। मार्केट कंडीशन में क्या क्या आ सकता है? मार्केट कंडीशंस में क्या क्या आ सकता है? जीआरवी, मार्केट कंडीशंस में चेंजेस क्या हो सकता है? एस्टिमेटेड जीआरवी में चेंज होना, या फिर नहीं, डिस्काउंटिंग रेट तो उनके कारण चेंज करना पड़ता है। डिस्काउंटिंग रेट तो उनके कारण चेंज करना पड़ता है। एस्टिमेटेड जीआरवी में चेंज होना एक ये ऑप्शन था, और कौन सा था मार्केट में? एस्टिमेटेड जीआरवी और यस चेंज इन वेरिएबल पेमेंट्स बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट। चेंज इन वेरिएबल पेमेंट्स, बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट्स। चेंज इन लीज टर्म या चेंज इन लीज पेमेंट अदर देन वेरिएबल पेमेंट्स, मतलब फिक्स पेमेंट चेंज कर दिया, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट चेंज कर दिया वगैरह, तो वो नॉन मार्केट हो जाएगा ना, हमने आपस में ही एग्री करके चेंज कर लिया, ठीक है। चेंज इन असेसमेंट ऑफ ऑप्शन टू परचेज द असेट। अब मैं परचेज करूंगा, पहले ऑप्शन नहीं लिया था अब ऑप्शन ले रहा हूं, या पहले लिया था अब ऑप्शन नहीं ले रहा हूं,
तो ये सब क्या है, नॉन मार्केट चेंजेस है। नॉन मार्केट चेंजेस मतलब जो बेसिकली लेसर और लेसी आपस में एग्री होके चेंज कर रहे हैं, कंडीशंस चेंज हो रही है, टर्म्स चेंज हो रही है। बट अगर जीआरवी चेंज करना पड़ रहा है क्योंकि मार्केट में ही चेंज हो गया वैल्यू, ठीक है, और दूसरा वेरिएबल पेमेंट्स इंडेक्स और रेट्स के हिसाब से चेंज हो रहे हैं, तो वो मार्केट चेंजेस हो गए। दो तीन चीज, ये जो ए है, ये जो बी है और जो डी है, इन तीनों में डिस्काउंटिंग रेट चेंज होगा और बाकी दो में डिस्काउंटिंग रेट चेंज नहीं होगा। अंडरस्टूड और नॉट? अगर हम रीमेजरमेंट करते हैं या वॉट एवर, जब हम सब्सिक्वेंट मेजरमेंट करते हैं बैलेंस शीट डेट पर, तो हमारे पीएनएल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, पीएनएल में क्या इंपैक्ट पड़ेगा? डेप्रिसिएशन आरओयू एसेट पर लगेगा, इंटरेस्ट जाएगा, वेरिएबल लीज पेमेंट्स जो कि डिपेंडेंट नहीं होते किसके ऊपर, इंडेक्स और रेट के ऊपर, वो भी जाएंगे, और इंपेयरमेंट जाएगा। जाएगा कि नहीं जाएगा? हाँ, अभी तो एक और चीज जाएगी, रीमेजरमेंट गेन और लॉस, जाएगा कि नहीं? तो एक और जाएगा, रीमेजरमेंट गेन ऑब्लिक लॉस। इसमें ना एक पॉइंट है जो मैंने कल आपके साथ डिस्कस नहीं किया था। मैंने कल इसके साथ आपको, इसमें आपको क्या डिस्कशन किया था, आपको याद है? रीमेजरमेंट में मैंने क्या डिस्कस किया था? लाइबिलिटी या तो कम होगी या तो लाइबिलिटी बढ़ेगी, कुछ याद आ रहा है? जितने से कम होगी उतने से अपन आरओयू असेट पर इंपैक्ट करेंगे, ठीक है ना? मुझे आपको ना इसमें एक पॉइंट है, दो क्वेश्चंस भी हैं उस पे बड़े बड़े, वो क्वेश्चंस करवाने कि आरओयू कितने से कम होनी चाहिए और कितने से नहीं होनी चाहिए, हम उसको एक बार डिस्कस करने वाले हैं आज, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करने वाला हूं, ठीक है? अच्छा, इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस पे चलते हैं। इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट्स, इन सब्सटेंस फिक्स पेमेंट क्या होते हैं? वेरिएबल बट अनअवॉइडेबल। इंसेंटिव्स जनरली रीइंबर्समेंट्स जो लेसी को किए जा रहे हैं लेसर के द्वारा। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट जो अनअवॉइडेबल नेचर की है, आज लेसी इनकर कर रहा है क्योंकि वो लीज एग्रीमेंट कर रहा है, अगर लीज एग्रीमेंट नहीं करता तो इनकर भी नहीं होते, ठीक है ना? गारंटीड एसेट वैल्यू, जितना भी पोर्शन उसको नहीं मिल पाएगा उसकी वो गारंटी दे रहा है। डिस्काउंटिंग रेट हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, राइट? अच्छा, पार्ट फोर, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर लेसी, मल्टीपल असेट। यहां से पढ़ना शुरू करते हैं। हाँ, क्या है यह? यहां पर हमने क्या डिस्कस किया? लीज ऑफ मल्टीपल असेट। एक ही कॉन्ट्रैक्ट में अगर, हाँ, दो या दो से ज्यादा अलग अलग असेट्स हैं, असेट्स होना चाहिए, अलग अलग आइडेंटिफाइड असेट्स हैं, तो उन सबके लिए अलग अलग लीज कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाए कि सबको इकट्ठा माना जाए? सबके लिए अलग अलग लीज कॉन्ट्रैक्ट बनाया जा सकता है अगर दोनों की दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाए। पहला, असेट कैन प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑन इट्स ओन। असेट बेनिफिट प्रोवाइड कर सकती है इंडिपेंडेंटली, असेट कैन प्रोवाइड बेनिफिट्स ऑन इट्स ओन और इंडिपेंडेंटली। और दूसरा, असेट इज नॉट हाईली डिपेंडेंट और हाईली इंटर रिलेटेड विद द अदर असेट। दूसरी असेट पे डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, प्रोवाइड तो कर रही है इकोनॉमिक बेनिफिट, पर वो अदर असेट पे इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए, हाईली डिपेंडेंट नहीं होनी चाहिए। आई बात समझ में? तो ऐसे जो मल्टीपल असेट्स है ना, उसकी अदर असेट्स की बात चल रही है, अंडरलाइंग असेट्स की बात चल रही है जो मल्टीपल असेट्स है। ऐसे केस में दोनों कंडीशन फुलफिल होंगी तो क्या करेंगे? सेपरेट कर देंगे। आई मेरी बात समझ में? क्लियर? अच्छा, उसके बाद लीज एंड नॉन लीज कॉम्पोनेंट। ये लीज नॉन लीज कॉम्पोनेंट क्या होता है? इसमें नॉन लीज कॉम्पोनेंट मतलब जनरली द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर नॉट ट्रीटेड एज आइडेंटिफाइड असेट्स। कौन से गुड्स एंड सर्विसेज? विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू सिक्योर द, हाँ, विच आर नॉट रिक्वायर्ड टू सिक्योर द आउटपुट ऑफ मेन असेट। मेन असेट या आइडेंटिफाइड असेट के आउटपुट को सिक्योर करने के लिए उनकी कोई जरूरत नहीं पड़ती, हम एडिशनली आपको वो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अगर नॉन लीज कॉम्पोनेंट ऐसा है जो कि अलग से देखा जा सकता है, मेन असेट पे वो डिपेंडेंट नहीं है, मेन असेट के लिए वो बनाया नहीं गया है, तो आप नॉन लीज कॉम्पोनेंट को लीज कॉम्पोनेंट से अलग करोगे। हालांकि यहां पर लेसी को एक एग्जेम्पशन दिया गया है कि लेसी चाहे तो ये अलग ना भी करे चलेगा। कुछ याद है? मैंने बताया था, देखो अपने नोट्स में। हाँ, कहाँ लिखा है? प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट।
कि लेसी चाहे तो ऑप्शन, उसके बाद ऑप्शन है कि वो एग्जेम्पशन ले सकता है कि वो नॉन लीज कंपोनेंट से, नॉन लीज कंपोनेंट को एक कॉन्ट्रैक्ट से अलग ना करे, वो एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान ले, अगर उसके लिए प्रैक्टिकली इम्प्रैक्टिकल, मतलब उसके लिए इम्प्रैक्टिकेबल है अलग अलग करना, तो वो ऑप्शन एग्जेम्प्ट ऑप्शन ले सकता है कि वो सिंगल कॉन्ट्रैक्ट मान ले, फिर वो नॉन लीज कॉम्पोनेंट अलग से ना दिखाए, ठीक है। अच्छा, वो अगर अलग से दिखाता है तो वो कौन से प्रपोर्शन में अलग दिखाएगा? स्टैंड अलोन प्राइजेस, कौन से प्रोफेशन में दिखाएगा? स्टैंड अलोन प्राइस। और वो नॉन लीज कंपोनेंट को किस पे अकाउंट फॉर करेगा? एज पर अदर एप्लीकेबल स्टैंडर्ड, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन, ये क्या था? कॉन्ट्रैक्ट कॉम्बिनेशन, दो अलग अलग, तीन अलग अलग, चार अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट्स को क्या कंबाइन किया जा सकता है? अलग अलग असेट के कॉन्ट्रैक्ट्स को किया जा सकता है अगर तीनों में से कोई एक कंडीशन फुलफिल हो जाए। कौन कौन सी? If all the contracts are negotiated as a single package, सारे contracts के लिए amount एक ही decide हुआ है, single package decide हुआ है। दूसरा, consideration of one depends on the price or performance of another, एक का price depend करता है दूसरे के price पे या दूसरे के performance पे, ठीक है। और तीसरा, जो right to use the asset है वो is a single performance obligation है, मतलब single lease component है, मतलब जो हम different assets use कर रहे हैं, different assets में जो हमारा right है वो एक तरीके से एक ही single right है, सिंगल लीज कंपोनेंट है, एक के बाद एक के बाद वाला, वो एक 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 तरीके से तीनों कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है, ठीक है। लीज मॉडिफिकेशन, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट। लीज मॉडिफिकेशन क्या होता है? लीज मॉडिफिकेशन या तो स्कोप में बदलाव कर देना, ठीक है ना, या तो कंसिडरेशन में चेंज कर देना, या तो लीज टर्म में चेंज कर देना। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं? या तो कंसिडरेशन में चेंज करना, या तो लीज टर्म में चेंज करना, या तो स्कोप में बदलाव करना। अगर तुम स्कोप में बदलाव करते हो, और क्या हुआ है, ऐड क्या हुआ है, एडिशन ऑफ न्यू राइट्स और न्यू असेट्स ऑन द से और ऑन सेम असेट, मतलब एक सेकेंड, एडिशन ऑफ न्यू राइट्स ऑफ न्यू असेट्स और ऑन सेम असेट्स, मतलब आपके सेम असेट में राइट्स और एडिशन हो रहे हैं, या तो आपकी न्यू असेट ही ऐड हो रही है कि नहीं, या तो फिर स्कोप का मतलब टर्मिनेशन ऑफ सम राइट्स, या तो राइट्स आपके टर्मिनेट कर दिए गए। लीज टर्म या तो एक्सटेंड कर दिया गया, या तो शॉर्ट कर दिया गया। अब ट्रीटमेंट क्या होगा? हाउ टू ट्रीट लीज मॉडिफिकेशन, अगर आरओयू एडिशनली ग्रांट किया गया है, मतलब एडिशनल असेट दी गई है, या सेम असेट पे आपको एडिशनल राइट्स दिए गए हैं, और उसके लिए जो प्राइस दिया गया है डिसाइडेड वो स्टैंड अलोन प्राइस हुआ है, कौन सा प्राइस हुआ है, तो ऐसे केस में क्या मानोगे? ट्रीट न्यू सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट। और अगर प्राइस अफेक्ट हुआ है, या फिर आपको आरओयू ही नहीं ग्रांट किया गया नया, तो फिर ऐसे केस में आप रीमेजर करोगे लाइबिलिटी और आरओयू असेट। समझ आया कि नहीं? अगर कंपनी ने पेट्रोल पंप लीज पर दे दिया, ठीक है, ये दो एग्रीमेंट, इसमें अगर मेरा एक पेट्रोल पंप है और मेरे से नहीं संभल रहा है, और मैं अपना पेट्रोल पंप आपको दे रहा हूं चलाने के लिए, तो अगर मैंने आपको पूरे राइट्स दे दिए हैं कि किस क्वांटिटी पे कैसे करोगे, कितना बुलवाना है, कितना पेट्रोल, कितने टैंकर्स बुलवाने हैं, पूरे राइट्स दे दिए हैं, तो इसमें अंडरलाइंग असेट्स विल बी मोर देन वन, बट उसको एक सिंगल लीज कॉन्ट्रैक्ट देखा जाएगा। वो जो प्रॉपर्टी है, पेट्रोल पंप है पूरा, वो जितना भी वहां पर असेट क्रिएट किया गया है, मैम पेट्रोल तो कंज्यूमेबल होगा, पर मैंने आपको पेट्रोल लीज पर दिया ही नहीं, मैंने बोला कि कंपनी से डायरेक्ट पेट्रोल खरीद लेना, कंपनी से पेट्रोल तो डायरेक्ट खरीद लेना, मैंने इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिया है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर इज अ पार्ट ऑफ लीज कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली, में इंफ्रास्ट्रक्चर आपका लीज कॉन्ट्रैक्ट हो गया।
और जो गुड्स एंड सर्विसेज है उसमें जो पेट्रोल है वो तो आप खुद से ही खरीद रहे हो, कितना कितना पे कर रहे हो, आप दूसरी पार्टी को ही पे कर रहे हो, आप मुझे पे कहीं कर ही नहीं रहे हो, तो वो तो नॉन लीज कॉम्पोनेंट भी नहीं है क्योंकि आप मुझे ही पे नहीं कर रहे हो। ये है, आप मुझे ही पे करोगे अगर तो फिर मैं देखूंगा कि हाँ यार वो नॉन लीज कॉम्पोनेंट की तरफ अलग करूं। मैंने तो बोल दिया कि डायरेक्ट इंडियन ऑयल से पेट्रोल बनवाना ना, तुम्हारा जो बिलिंग करेगा तुम डायरेक्ट उसको पे कर देना। तो गुड्स तो यहां पर है ही नहीं बेसिकली, समझ गए। हाँ एक और बात ये है कि वहां पर जो मेरे एम्प्लॉइज थे वो एम्प्लॉइज तुम्हें सर्व करते रहेंगे, उसका पैसा तुम मुझे देते रहोगे, तो वो नॉन लीज कॉम्पोनेंट है। एम्प्लॉइज को सैलरी मैं दूंगा, मैं तुमसे जो कंसिडरेशन ले रहा हूं वो बढ़ा के ले रहा हूं, मतलब मैंने तुम्हें इंफ्रास्ट्रक्चर भी दिया प्लस इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ सर्विसेज भी दे दी, बिल्कुल। और महीने का मैं तुमसे एक पर्टिकुलर लीज रेंट ले रहा हूं जिसमें मैं अपना स्टाफ का सैलरी भी तुमसे ही निकलवा रहा हूं कहीं ना कहीं, तो वो नॉन लीज कॉम्पोनेंट हो गया। हाँ, तो वो मैंने राइट्स दे दिए, एम्प्लॉइज के राइट्स मैंने आपको दे दिए, पर उनको पेमेंट मैं नहीं करूंगा, पेमेंट आप नहीं करोगे, तो वो फिर नॉन लीज कॉम्पोनेंट हो गया। ठीक है, ये मॉडिफिकेशन क्लियर है। नया लीज कॉन्ट्रैक्ट कब मानेंगे? जब दो कंडीशन फुलफिल हो। कौन सी दो कंडीशन? स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस होना चाहिए और नया नया आरओयू ग्रांट किया गया है। ठीक है, अच्छा। प्रेजेंटेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैलेंस शीट में क्या प्रेजेंटेशन होता है? आरओयू असेट को या तो सेपरेटली प्रेजेंट करो या तो टुगेदर विद अदर असेट और डिस्क्लोजर दे दो कि आपने उसमें क्या क्या दिखाया हुआ है। आरओयू सेपरेट प्रेजेंट करना सबसे बेटर है कि एक अलग सेपरेट लाइन ऑफ आइटम बता दिया आपने। लीज लाइबिलिटी भी सेम, सेपरेट लाइन आइटम बता दो फाइनेंशियल लाइबिलिटी के अंदर, या तो फिर आप एग्जिस्टिंग लाइबिलिटी में दिखा के अलग से डिस्क्लोजर दे दो। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, इंटरेस्ट चार्ज करोगे, दोनों को सेपरेटली प्रेजेंट करना पड़ेगा, अलग अलग एक साथ नहीं दिखा सकते। कैश फ्लो में फाइनेंसिंग एक्टिविटी कब मानते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी कब मानते हैं? फाइनेंसिंग एक्टिविटी मानेंगे जब नॉर्मली हम लीज पेमेंट पे कर रहे हैं, इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, प्रिंसिपल पोर्शन पे कर रहे हैं, वो सब आपका फाइनेंशियल लाइबिलिटी। क्या है? फाइनेंशियल लाइबिलिटी, फाइनेंशियल एक्टिविटी। और कैश फ्लो में ऑपरेटिंग एक्टिविटी कब मानोगे? जब या तो शॉर्ट टर्म लीज माना हो या तो लो वैल्यू एसेट लीज माना हो, तो आप 116 तो फॉलो ही नहीं कर रहे हो, तो आप ऑपरेटिंग एक्टिविटी मानोगे। और लास्ट वेरिएबल पेमेंट जो आपके इंडेक्स के ऊपर बेस्ड नहीं है, तो वो भी आपने जो पे किया आपके पेंडल में जा रहे हैं, तो वो भी आपके ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाएंगे। ठीक है, सो गाइस दिस वॉज द चार्ट रिविजन टिल पार्ट नंबर 4, राइट। अब हमें कुछ क्वेश्चंस पेंडिंग थे क्या? कुछ क्वेश्चंस, हाँ आइए 12 से लेकर, है ना, चलिए 12 से लेकर स्टार्ट करते हैं। ट्वेल्व, एंटिटी एल रेंट्स एन ऑफिस बिल्डिंग फ्रॉम लैंडलॉर्ड एम। एंटिटी एल रेंट्स एन ऑफिस बिल्डिंग फ्रॉम लैंडलॉर्ड एम फॉर द टर्म ऑफ 10 ईयर्स। द रेंटल कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेट्स दैट ऑफिस इज फुल्ली फर्निश्ड एंड हैज अ न्यूली इंस्टॉल्ड एंड टेलर्ड HVAC सिस्टम। इट ऑल्सो रिक्वायर्स लैंडलॉर्ड एम टू परफॉर्म ऑल कॉमन एरिया मेंटेनेंस। लैंडलॉर्ड आपको कॉमन एरिया मेंटेनेंस भी देगा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द अरेंजमेंट। देखो क्या क्या है, ऑफिस बिल्डिंग लिया है आपने, ऑफिस बिल्डिंग के अंदर जो आपको फर्निश्ड ऑफिस मिल रहा है वो मिल रहा है, ठीक है ना, है न्यूली इंस्टॉल्ड टेलर्ड HVAC सिस्टम है, और इसके अलावा कॉमन एरिया मेंटेनेंस आपको करके देगा, मतलब आपका मेंटेनेंस कौन करके देगा, लेसर करके देगा लैंडलॉर्ड। एंटिटी एल मेक्स सिंगल मंथली रेंटल पेमेंट एंड डज नॉट पे फॉर द मेंटेनेंस सेपरेटली, वो मेंटेनेंस के लिए सेपरेटली पे नहीं करता। द ऑफिस बिल्डिंग हैज अ यूजफुल लाइफ ऑफ 40 ईयर्स एंड द HVAC सिस्टम एंड ऑफिस फर्नीचर ईच हैज अ लाइफ ऑफ 15 ईयर्स।
हमने तो 10 ईयर्स के लिए लिया है ना. वॉट आर द यूनिट ऑफ यूनिट्स ऑफ अकाउंट इन द लीज? लीज में कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं? लीज में कौन कौन से कॉम्पोनेंट हैं? क्या ये सिंगल लीज एग्रीमेंट है? क्या इस लीज में नॉन लीज कॉम्पोनेंट भी है? हाँ, कौन सा नॉन लीज कॉम्पोनेंट है? जो मेंटेनेंस का जो मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, जो मेंटेनेंस मुझे मिल रहा है वो क्या हुआ? नॉन लीज कॉम्पोनेंट. और जो मुझे फर्निश्ड ऑफिस मिल रहा है, मतलब ऑफिस तो मिल रहा है पर फर्नीचर साथ में मिल रहा है, वो फर्नीचर और टेलर सिस्टम, टेलर्ड सिस्टम जो मिल रहा है उसका क्या होगा? हाँ, नहीं तो वो तो इंस्टॉल्ड है ना, वो तो मैं, वो तो मेरे को मिल गया, वो तो इंस्टॉल्ड है. फर्निश्ड मेरे को मिल, फर्नीचर मेरे को मिल रहा है, तो फर्नीचर मिलना भी तो एक तरीके से एक एक्स्ट्रा सर्विस दी जा रही है ना. मेरे को तो मेन ऑफिस बिल्डिंग चाहिए, वो मेरे को स्पेस मिल गया. अब यहां पर फर्नीचर एक ऐसी चीज है जो पार्ट ऑफ, नहीं नहीं वही बोल रहा हूं, नहीं भी मिलता तो चलता, या तो फिर वो भी, वो मैंने फर्नीचर देख के ही मैंने लिया है तो ही मेरे को लेता, नहीं तो शायद मैं लेता भी नहीं. हो सकता है मैंने स्पेसिफिकली फर्निश्ड देख के ही मैंने लिया है, तो हो सकता है जो फर्नीचर है वो लीज कॉम्पोनेंट का ही पार्ट हो. क्यों? क्योंकि वो मेरे मेन असेट के आउटपुट को इफेक्ट कर रहा है. तो ऐसे केस में फर्नीचर को लीज कॉम्पोनेंट का हिस्सा माना जा सकता है. फर्नीचर और एचवीएसी सिस्टम को कहीं ना कहीं अपन लीज कॉम्पोनेंट का हिस्सा ही मान सकते हैं. हाँ, वो डिपेंडेंट है. क्यों? क्योंकि शायद कस्टमर नहीं तो लेता ही नहीं, है ना. तो अगर ऐसी कोई सिचुएशन है कि विदाउट दीज सर्विसेज, विदाउट दीज क्या बोलते हैं, विदाउट दीज फैसिलिटीज हम इसको रेंट पे लेते ही नहीं, और वो लिखा है ना हैवी इंस्टॉल्ड एंड टेलर्ड एचवीएसी सिस्टम, कस्टमाइज्ड है ना. और इवन फर्नीचर हो सकता है, फर्नीचर का भी ऐसा ही होता है कि अगर फर्निश्ड नहीं होता तो हम लेते ही नहीं. तो ऐसे केस में माना जा सकता है कि वो चीजें नॉन लीज कॉम्पोनेंट नहीं है, लीज कॉम्पोनेंट का हिस्सा है. बट हाँ, कॉमन एरिया, एक कॉमन एरिया मेंटेनेंस विल डेफिनेटली बी ट्रीटेड एज नॉन लीज कॉम्पोनेंट, तो हमें उसको सेपरेट मानना पड़ेगा. ठीक है, एक बार पढ़ लीजिए आंसर. उसने एक्सप्लेन किया है, पर इसमें मुझे लगता है कि अपने को पॉइंट बढ़ाना चाहिए. इसमें ये एक रूल नहीं हो सकता कि ऑफिस फर्नीचर हमेशा इंडिपेंडेंट ही होगा. भाई अगर ऑफिस फर्नीचर है दैट कैन बी इंडिपेंडेंट और कैन नॉट बी इंडिपेंडेंट. भाई वो ऑफिस फर्नीचर, अगर कस्टमर ने ऑफिस फर्नीचर को देखकर ही वो स्पेस बुक किया है, विदाउट दैट फर्नीचर कस्टमर थिंक्स दैट कि वो मैं ये स्पेस यूज नहीं कर पाऊंगा, मेरे लिए वो स्पेस काम का नहीं है, क्योंकि मैं फिर ऑफिस फर्नीचर बनवाऊं, इतना खर्चा करवाऊं, मेरे लिए वो बस की नहीं है, मैं वो फर्नीचर मेरे अकॉर्डिंग ही दिख रहा है मुझे. तो हाँ, रेडी क्लासरूम. तो ऐसे केस में मैं बोल सकता हूं कि वो भी एक तरीके से नॉन लीज कॉम्पोनेंट नहीं होगा, वो फिर आपका लीज कॉम्पोनेंट होगा और लीज कॉम्पोनेंट का ही पार्ट बनेगा. मतलब वो एक सेपरेट लीज भी नहीं होगा, मतलब वो यहां पर वो उसको क्या कर रहा है, वो यहां पर मल्टीपल असेट मानते हुए सेपरेट मान रहा है.
लीज कॉम्पोनेंट तो बोल रहा है बट वो उसको मल्टीपल असेट मान रहा है, मतलब अलग 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 कॉन्ट्रैक्ट बोल रहा है। अपन कह रहे हैं कि अलग कॉन्ट्रैक्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है। अलग कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए के दो कंडीशन कौन सी फुलफिल करनी पड़ती है? कैन प्रोवाइड बेनिफिट इंडिपेंडेंटली और हाईली डिपेंड, नॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन मेन असेट। तो यहां पर नॉट हाईली डिपेंडेंट ऑन मेन असेट का एक डाउटफुल क्रिएट कर रहा है ना। तो यहां पर अपन दो आंसर्स दे सकते हैं कि फर्नीचर को मल्टीपल असेट मानते हुए अलग भी कर सकते हैं और अगर वो डिपेंडेंट है तो अपन उसको पार्ट ऑफ बिल्डिंग मान सकते हैं। दो चीजें, हाँ मैं भी तो भाई उसी सेंस में बोल रहा हूं कि फर्नीचर कस्टमर के स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग अगर है तो वो फिर मेन बिल्डिंग का ही पार्ट बन जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। अ लेसी इंटर्स इनटू अ 5 ईयर लीज ऑफ इक्विपमेंट विद फिक्स्ड एनुअल पेमेंट ऑफ 10,000। कॉन्ट्रैक्ट कंटेन्स फिक्स्ड एनुअल पेमेंट्स एज फॉलो, 8,000 फॉर रेंट, 1,500 फॉर मेंटेनेंस, 500 ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। हाउ द कंसिडरेशन वुड बी एलोकेटेड? 8,000 रेंट, 1,500 मेंटेनेंस, बोलो। ₹500 एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, ₹8,000 तो ठीक है लीज कंपोनेंट हो गया, 1,500 नॉन लीज हो गया। क्वेश्चन आता है ₹500 एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क का मतलब क्या होता है? सी 1,500 तो नॉन लीज कंपोनेंट ही होगा क्योंकि वो कहीं ना कहीं मेंटेनेंस का पोर्शन है, यहां बात नहीं चल रही। ये जो ₹500 है ना, 500 एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, आप इसको शायद अलग सेंस में ले रहे हो, आप इसको इंप्लॉइज के सेंस में ले रहे हो, ऐसा नहीं होता। ₹500 ये इंप्लॉइज की सर्विसेज के ले रहा हूं वो सब नहीं है। आपने कभी कभार देखा होगा कि हम कभी कहीं जगह अप्लाई करते तो एप्लीकेशन फीस के नाम पे, एडमिनिस्ट्रेशन फीस के नाम पे ले लिया गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ होता है। मतलब इवन इफ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ कोचिंग क्लासेस, कई बार ऐसा होता है कि हमने आपसे ये बोल दिया कि, जैसे मैंने मान लो बोल दिया कि आप मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं, आप मेरी बैच में पहले से ही बैठ चुके हो, बट मान लो मैं एक न्यू बैच स्टार्ट कर रहा हूँ, एक शॉर्ट टर्म बैच स्टार्ट कर रहा हूँ और आप आए मेरे पास तो आपने बोला कि सर हम बैठना चाहते हैं फिर से, आप हमें अलाउ करोगे कि नहीं? तो मैंने बोला कि यार एक काम करो, अलाउ करूंगा बट तुम्हें ना ₹1,000 एडमिनिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी। नॉर्मल फीस है ₹10,000 की, पर ₹1,000 तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन फीस देनी पड़ेगी बैठने की, बाकी और कुछ नहीं है। तो मैंने तुमसे क्या लिया, एडमिनिस्ट्रेशन फीस लिया एक्चुअली, किस नाम पे बस ले लिया, उसका कोई एज सच मैंने तुम्हें कुछ एडिशनली उसका सेपरेट मैंने तुम्हें कुछ दिया नहीं, गुड्स एंड सर्विसेज, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इज बेसिकली व्हाट, जिसके लिए आपको कोई सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड नहीं किए जा रहे। ट्राई टू अंडरस्टैंड, मतलब ₹1,500 क्या चीज है? मेंटेनेंस, आपको एक एक्स्ट्रा सर्विस दे रहा हूं मैं। ₹500 एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क इज बेसिकली व्हाट आई एम, बस घुमा फिरा के इधर से पैसे ले रहा हूं बस किसी भी तरीके से, फॉर विच एक्चुअली मैं तेरे को कोई एडिशनल गुड्स और सर्विस नहीं दे रहा हूं। क्या एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क, बात समझ में आ रही कि नहीं? तो यहां पर एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क मतलब वो चीज नहीं कि तेरे को मैं अपना कोई इंप्लॉय बिठा के दे दूंगा, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क नहीं है।
एडमिशन फीस, जैसे प्रोसेसिंग चार्जेस ले लिए, इस टाइप की चीजें, एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क 500 रुपए मतलब बस ले लिया एक्स्ट्रा, फॉर्म फॉर्म एप्लीकेशन फीस ले लेती अपन, ऐसा फीस का बाइफरकेशन है, वही तो बोल रहा हूं। तो इस तो मैं वही तो बोल रहा हूं, वो लीज कंपोनेंट का ही पार्ट होगा, वो नॉन लीज कंपोनेंट नहीं हो सकता। मैं भी तो वही कह रहा हूं कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क डज नॉट प्रोवाइड यू एडिशनल गुड्स और सर्विसेज। तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क जो 500 रुपए है वो 8000 में शामिल हो जाएगा, ये कह रहा हूं मैं। 1500 को मेंटेनेंस मुझे मिल रहा है, ठीक है ना, मतलब मुझे उसकी, मुझे बिल्डिंग की साफ सफाई करके दी जा रही है हर महीने महीने, मुझे मेंटेनेंस मिलता है, पर 500 रुपए का मुझे कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं मिल रहा है, वो तो बस मैं दे रहा हूं, पे कर रहा हूं। तो 500 रुपए इज अ पार्ट ऑफ लीज कंपोनेंट बिकॉज इट इज नॉट प्रोवाइडिंग एडिशनल गुड्स एंड सर्विसेज, ये बात चल रही है। हाँ, सिनेरियो बी, द कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स द लेसी टू पे रीस्टोरेशन ऑफ इक्विपमेंट टू इट्स ओरिजिनल कंडीशन, हाउ द कंसिडरेशन वुड बी एलोकेटेड, मतलब हाँ ये तो डिसमेंटलिंग वाला हो गया, बट ये कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्स मतलब ये उसको करना ही पड़ेगा, तो ये तो लीज पेमेंट का पार्ट बन जाएगा, किसका पार्ट बन जाएगा, ठीक है। सिनेरियो ए और बी के पढ़ लीजिए आंसर्स, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट A lessee enters into a lease of an equipment. The contract stipulates that lessor will perform maintenance of leased equipment and receive consideration for that maintenance service. The contract includes the following fixed payment, fixed prices for the lease and non-lease component. Lease 80, maintenance 10, 90,000 total. Assume the standalone prices cannot be readily observed. So the lessee makes estimates, maximizing the use of observable information of the lease and non-lease component as follow. तो लीज कंपोनेंट का उसने जो एस्टीमेट किया स्टैंड अलोन प्राइस 85 और मेंटेनेंस को 15, तो वो क्या करेगा, 90,000 को बांट देगा रेशियो में, बांटो कितना आएगा, नब्बे हजार को 85:15 मतलब 85%। Assuming lessee has not opted the practical expedient, how will the lessee allocate the consideration to lease and non-lease components? Simple है यार, इसमें हो जाएगा ना ये,
नॉन लीज कंपोनेंट और लीज कंपोनेंट में डाल देगा। अगर प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट यूज कर रहा है तो वो इंटायर 90,000 को लीज कंपोनेंट मान लेगा। बात सही बोल रहा हूँ, मैं समझ गया। मैं भी वो मेरे माइंड में भी आई थी चीज कि सर जब उन्होंने ऑलरेडी एलोकेट करके दिया है और फिक्स्ड है उसके लिए, तो फिर सर हम वो क्यों कर रहे हैं। सी लेसर मुझे एग्रीमेंट में करके दे रहा है कि 80,000 में तेरे से इसके लूंगा और 10,000 में तेरे को इसके लूंगा, टोटल में तेरे से 90 लूंगा। जब इसकी मार्केट वैल्यू चेक की गई तो अगर मैं खाली खाली लीज लीज लेता तो 80,000 में नहीं मिलता, मुझे 85 में मिलता। और ये जो मुझे मेंटेनेंस सर्विस लेसर मुझे दे रहा है, कायदे से ये मेंटेनेंस सर्विस अगर मैं बाहर से करवाऊं, लेसर से ना करवा के बाहर से करवाऊं, तो मुझे 15,000 रुपए पे करने पड़ेंगे, क्योंकि मैं लीज पे ले रहा हूं तो वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है। तो कहने का मतलब ये है, ऐसा नहीं है कि मतलब ये अलग अलग करके दिया है तो फिर अपन अलग अलग क्यों कर रहे हैं। ये एक्चुअली लेसर ने मुझे एग्रीमेंट में अलग करके दिया है, बट वॉट इंडिया सेज कि ये प्राइसेस अफेक्टेड भी तो है भाई। 10,000 वो तो उससे चार्ज कर रहा है, उसने ऐसा बोला, फेयर वैल्यू कितनी है। 80,000 वो चार्ज कर रहा है, उसने ऐसा बोला, फेयर वैल्यू कितनी है। तो पूरे कंसिडरेशन को फेयर वैल्यू में डिवाइड कर। लेसर तो उससे क्या क्या करके ले रहा है वो ठीक है, वो एग्रीमेंट की बात है। तू अपनी बुक्स में एज पर द स्टैंड अलोन प्राइसेस के बेसिस पे करेगा। ठीक है। इसीलिए अगर अलग अलग प्राइजेस दिए भी हैं एज पर द एग्रीमेंट एंड दे आर फिक्स्ड, स्टिल दे आर रिक्वायर्ड टू बी सेपरेटली अलोकेबल बेस्ड ऑन द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइजेस। इसके बाद 15th हो चुका है, 16th, 17, 18 बचे हैं ना। नहीं 16 नहीं हुआ, 16 पेंडिंग लिखा था मैंने। नहीं हुआ ना 16। रीड करके छोड़ा मैंने, लिखा ना पेंडिंग छोड़ा मैंने। आइए, रिटेलर एम इंटर्स इनटू अ 5 ईयर लीज फॉर अ बिल्डिंग फ्लोर फॉलोड बाय टू सक्सेसिव 5 ईयर रिन्यूअल ऑप्शन ऑन द कमेंसमेंट डेट। रिटेलर एम इज नॉट रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। रिटेलर एम एक्सटेंडेड टू इंक्लूड अनदर फ्लोर फ्रॉम ईयर 4 ड्यू टू बिजनेस एक्विजिशन। फॉर दिस पर्पज लेसी कंक्लूड्स अ सेपरेट 7 ईयर लीज फॉर द एडिशनल फ्लोर इन द बिल्डिंग ऑलरेडी लीज्ड। इज रिटेलर एम रिक्वायर्ड टू रीअसेस द लीज टर्म इन दिस केस। पहले तो उसने ओरिजिनली 5 साल का लीज लिया एक बिल्डिंग फ्लोर, फॉर एग्जाम्पल ग्राउंड फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर उसने 5 साल के लिए लिया, फॉलोड बाय टू सक्सेसिव 5 ईयर रिन्यूअल ऑप्शन। मेरे पास ग्राउंड फ्लोर को रिन्यू करने के दो बार पांच पांच साल का रिन्यू करने के ऑप्शन है। कमेंसमेंट पे रिटेलर एम इज नॉट रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन, वो जानता है कि मैं एक्सरसाइज नहीं करूंगा। पर एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर, तीसरे साल के एंड में उसका बिजनेस बढ़ रहा है, क्योंकि एम एक्सटेंडेड टू इंक्लूड अनदर फ्लोर फर्स्ट फ्लोर फ्रॉम ईयर 4 ड्यू टू अ बिजनेस एक्विजिशन। उसने एक नया बिजनेस और शुरू कर दिया, नया बिजनेस खरीद लिया, तो वो फर्स्ट फ्लोर पे भी किराया, फर्स्ट फ्लोर को भी लीज पे ले रहा है। कब से लीज पे ले रहा है? फोर्थ ईयर के बिगनिंग पे। फॉर दिस पर्पज लेसी कंक्लूड्स अ सेपरेट 7 ईयर लीज फॉर द एडिशनल फ्लोर इन द बिल्डिंग ऑलरेडी लीज्ड। जिस बिल्डिंग पे मेरा ग्राउंड फ्लोर चल रहा है ना, उसी बिल्डिंग में मैंने फर्स्ट फ्लोर लिया 7 ईयर्स का। इज रिटेलर एम रिक्वायर्ड टू रीअसेस द लीज टर्म इन दिस केस? हाँ,
एक तो मल्टीपल असेट्स वाली कंडीशन दोनों फुलफिल हो रही है, बिल्कुल। कौन सी? फर्स्ट फ्लोर कैन प्रोवाइड यू सेपरेट बेनिफिट्स और इंडिपेंडेंट है वो ग्राउंड फ्लोर से, वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल। बिजनेस एक्विजिशन हुआ है तो नया बिजनेस वो कर रहा है, तो वो एग्जिस्टिंग बिजनेस पे तो उसका कोई रिलेशन नहीं है, बिल्कुल। तो ये मल्टीपल असेट है, तो ये सेवन फ्लोर, सेवन ईयर्स वाला जो सेकंड फर्स्ट फ्लोर है वो एक सेपरेट माना जा सकता है। तो क्या इसके चक्कर में उसका एग्जिस्टिंग जो लीज कॉन्ट्रैक्ट है उसको भी रीअसेस करना पड़ेगा क्या? अगर उसी को अपन न्यू मान लिया, सेपरेट मान लिया, तो एग्जिस्टिंग वाले को तो अपन चलाते रहेंगे। तो इन आर मतलब एज पर आर कंक्लूजन द एग्जिस्टिंग ओरिजिनल लीज कॉन्ट्रैक्ट विल बी कंटिन्यूड एज पर द ओरिजिनल 5 ईयर टर्म, आउट ऑफ विच 3 ईयर्स आर ऑलरेडी लैप्स्ड एंड देयर विल बी अ न्यू लीज कॉन्ट्रैक्ट फॉर एडिशनल फ्लोर हैविंग लीज टर्म ऑफ 7 ईयर्स। यही होगा ना, मतलब अपने हिसाब से वो चीज मल्टीपल एसेट के उसमें आ रही है। आइए देखते हैं उसको क्या बोल रहा है। Ind AS 116 requires a lessee to reassess the lease term if there's a change in business decision of the company which is directly relevant to exercising or not exercising an option to renew or extend the lease. In the given case, retailer M at the end of third year has extended to include another floor in the same building on account of acquiring another company, as retailer M has entered into fresh lease of another floor for a 7-year term. It is reasonably certain to exercise the renewal option of the original lease. As retailer M has extended to fresh lease of another floor for 7-year term, it is reasonably certain to exercise the renewal option of the original lease for a further 5-year term. Hence, ये कह रहा है कि क्योंकि मैंने नया, अरे यार ये तो पता है, ये सिनर्जी इफेक्ट की बात कर रहा है कहीं ना कहीं, कि मेरे नया बिजनेस एक्वायर करने से उसको मैं एक्सटेंड, मतलब उसका नया फ्लोर ले रहा हूं, तो इससे मेरा एग्जिस्टिंग बिजनेस भी इंपैक्ट करेगा, तो आगे चल के मुझे इसकी लीज भी आगे बढ़ानी पड़ेगी। सिनर्जी इफेक्ट आपने याद है, अपन ने एक समझा था इंडियस 36 में इंपेयरमेंट में, सीजीयू में गुडविल के लिए अपन ने सिनर्जी इफेक्ट समझा था, कि आप अगर कोई बिजनेस एक्विजिशन करते हो और गुडविल को आप अलोकेट करोगे सीजीयू में, जहां सिनर्जी इफेक्ट, जहां जहां गुडविल आपके जैसे सीजीयू पे इफेक्ट करता है, और अगर गुडविल आपके एक्वायरर के भी सीजीयू पर इफेक्ट करता है तो उसमें भी डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहां पर एक तरीके से वो ये सब मान के चल रहा है, क्योंकि हमने बिजनेस एक्वायर किया है नया वाला, उससे हमारे एग्जिस्टिंग बिजनेस पर भी असर पड़ेगा। एग्जिस्टिंग बिजनेस पर भी असर पड़ेगा, तो क्योंकि एग्जिस्टिंग बिजनेस पर असर पड़ेगा तो पॉजिटिव इंपैक्ट पड़ेगा, तो मेरा बिजनेस वो भी ग्रो करेगा, तो इसलिए मैं नेक्स्ट, मैं तो बोलूंगा ये तो आंसर इसका सब्जेक्ट मैटर पे डिपेंड करता है। अब मैं बोलूं कि मेरा असर इतना ज्यादा कर लेगा कि मैं दोनों ऑप्शन रिन्यू करने का अभी मुझे लगता है, मैं तो 10 साल मान लूंगा, ये तो बोल रहा है सिर्फ 5 साल। नहीं ये एक तो भले नहीं माना, यहां एक वाली बात ही नहीं चल रही, यहां पर आप समझे नहीं, रीअसेस वो बोल रहे एग्जिस्टिंग लीज कॉन्ट्रैक्ट को रीअसेस करना चाहिए कि नहीं। हाँ, उसमें 3 साल हो चुके, आपने एक और फ्लोर किसी और पार्टी से ले लिया। हाँ, अरे वही तो बोल रहा है कि आपने उधर टाइप किया, मतलब आपका बिजनेस बढ़ रहा है, आपका बिजनेस बढ़ रहा है, मतलब आपको ये क्लासरूम भी अभी और लगेगी। मैंने भी तो यही बोला ना सिनर, आपने वहां बढ़ाया मतलब आपको ये छोड़ना नहीं है, ये छोड़ना नहीं मतलब आपको इधर भी और क्लास लगेगी, आपका बिजनेस और बढ़ रहा है, तो इसका मतलब आप एक काम करो इसका भी रीअसेस करोगे। तो ये तो अपन, या तो इसका आंसर 2 होना चाहिए। मैं पूरी तरीके से इसने एक सिक्के का एक पहलू दे दिया, सिक्के का दूसरा पहलू कहता है कि अगर बताओ बिजनेस एक्विजिशन करने पर मेरे एग्जिस्टिंग बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ रहा, कोई सिनर्जी इंपैक्ट नहीं है, तो मैं रीअसेस नहीं करूंगा। तो यहां पर आंसर, मैं इंस्टीट्यूट के आंसर से सहमत हूं बट पार्शियली, कि इंस्टीट्यूट को या तो दोनों आंसर देने चाहिए, दोनों आंसर क्या देने चाहिए कि भाई अगर उसका बिजनेस एग्जिस्टिंग बिजनेस इंपैक्ट करता है
तो ये आंसर सही है। अगर उसका एग्जिस्टिंग बिजनेस इंपैक्ट नहीं करता है, कोई सिनर्जी इफेक्ट नहीं है बिजनेस एक्विजिशन करने से एग्जिस्टिंग बिजनेस पर, तो फिर ऐसे केस में हम रीअसेस क्यों करें, हमें तो रीअसेस कर। अब दूसरा, यहां पर ही वो बोल रहा है रीअसेस करेगा अगले 5 साल के लिए। मैं बोल रहा हूं मेरे को तो पता है कि मेरा तो 10 साल का बिजनेस एक्सटेंड कर लो, मैं तो रीअसेस तो फिर 10 साल के लिए कर लू, ठीक है ना। तो यहां पर आंसर ऑल्टरनेटिवली क्या आ जाएगा, ऑल्टरनेटिवली इफ एक्विजिशन ऑफ न्यू बिजनेस डजंट अफेक्ट एग्जिस्टिंग बिजनेस और नो सिनर्जी इफेक्ट, ऑन एग्जिस्टिंग बिजनेस लेसी वुड नॉट रीअसेस, लेसी वुड नॉट रीअसेस द लीज टर्म ऑफ एग्जिस्टिंग फ्लोर। सेम बिजनेस है, सेम बिजनेस है, यहाँ बिजनेस एक्विजिशन अलग बिजनेस हुआ है, एक्वायरिंग अनदर कंपनी। हाँ सेम लाइन ऑफ बिजनेस में है कि नहीं, वही वही बात है, वही हमने इसलिए तो शॉर्ट में लिख दिया ना, वही मेरा अगर सिनर्जी इफेक्ट ही नहीं हो रहा है, सेम बिजनेस होगा तो सिनर्जी इफेक्ट होगा। ठीक है, आप एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 17 एक बार रीड करिए, क्वेश्चन नंबर 17 एक बार रीड करिए।
हाँ जी, क्या हुआ इसमें फिर बताइए, हो गया ये? क्या पोर्शन बोल रहा था ये? एन हैज टेकन अ 10 व्हीकल्स इनिशियल पीरियड ऑफ 5 ईयर्स विद एन एक्सटेंशन ऑप्शन एट द ऑप्शन ऑफ लेसी. अच्छा, लेसी के पास ऑप्शन है फॉर अ फर्दर पीरियड ऑफ 5 ईयर्स एट द सेम रेंटल अमाउंट. द रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ द व्हीकल्स एज ऑन कमेंसमेंट डेट ऑफ द लीज इज 15 ईयर्स. कंपनी एन हैज डिटरमाइंड एट द कमेंसमेंट दैट इट इज रीजनेबली सर्टेन टू एक्सरसाइज द एक्सटेंशन ऑप्शन एंड इट हैज टेकन अ पीरियड ऑफ 10 ईयर्स फॉर द लीज. एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर देयर इज एन अनाउंसमेंट बाय द गवर्नमेंट दैट ऑल द कार्स ऑफ दिस पर्टिकुलर मॉडल हैव टू बी डिसकंटिन्यूड फ्रॉम द रोड विद इन 1 ईयर ड्यू टू द चेंज इन पॉल्यूशन नॉर्म्स इन द कंट्री. विल द लीज टर्म बी रीअसेस्ड इन दिस केस? ऑब्वियसली हाँ, और कोई ऑप्शन ही नहीं है भैया, है ना? ठीक है, 18th नंबर, वो भी पढ़ लिया क्या? अच्छा, जितना दे जाऊं उतना ही पढ़ते हो, मतलब आगे अपन नहीं करेंगे उतने से ज्यादा. हाँ बोलो. एंटिटी एम एंड लेसर ए इंटर्स इन टू अ 10 ईयर लीज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग फॉर फिक्स्ड एनुअल लीज पेमेंट ऑफ 2 लाख रुपए. कुछ गड़बड़ आ गया है क्या? 2 लाख पर मंथ होगा. द टर्म्स ऑफ द लीज एग्रीमेंट द एनुअल फिक्स लीज पेमेंट कंप्राइज 170 फॉर रेंट एंड 30 फॉर रियल एस्टेट टैक्सेस. व्हाट आर द फिक्स लीज पेमेंट फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफाइंग द लीज? क्या टैक्सेस नॉन लीज कॉम्पोनेंट है कि लीज कॉम्पोनेंट का ही हिस्सा है? लीज कंपोनेंट का ही हिस्सा है. नॉन लॉस कंपोनेंट वो होता है जो सेपरेट गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करे. ये तो टैक्सेस उसके उससे अस बिल्डिंग के ही टैक्सेस हैं, तो ये आपका नॉन लीज कंपोनेंट नहीं है. लीज कंपोनेंट मतलब ये सिंगल लीज कंपोनेंट है 2 लाख का ही. चलो, 19 हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, 22 हो गया, 23 हो गया, 24 पेंडिंग किया था क्या अपन ने? 24 पेंडिंग किया था क्या? हाँ. एंटिटी ए इंटर्स इन टू अ 5 ईयर लीज ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग. 5 ईयर लीज ऑफ ऑफिस बिल्डिंग. द लीज पेमेंट्स आर ₹5 लाख पर ईयर. लीज पेमेंट्स आर ₹5 लाख पर ईयर एंड द कॉन्ट्रैक्ट इंक्लूड्स एन एडिशनल वाटर चार्ज कैलकुलेटेड एज 0.50 पर लीटर कंज्यूम्ड. पर लीटर कंज्यूम्ड. पेमेंट्स आर ड्यू एट द एंड ऑफ द ईयर. एंटिटी ए इलेक्ट्स टू अप्लाई द प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट टू कंबाइन लीज एंड नॉन लीज कंपोनेंट. भाई बिल्डिंग है, लीज पेमेंट है 5 लाख रुपए, कॉन्ट्रैक्ट एडिशनल वाटर चार्ज. अरे भाई, बिल्डिंग में जो वाटर वगैरह लेता है ना, वाटर चार्ज एडिशनल हमसे लिया जा रहा है. कितना मीटर लगा होगा वाटर का भी, तो 0.5 पर लीटर के हिसाब से हम चार्ज पे करते हैं. पर वो प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट को एक्सरसाइज करना चाहता है. पहले तो ये सोचो कि ये नॉन लीज कंपोनेंट होगा, होगा भी कि नहीं होगा. हाँ? मैम, अपने पानी बुलवा दूंगा. मैं प्राइवेट कंपनी को एग्रीमेंट दे दूंगा कि मेरे को पानी सप्लाई कर, मेरे को नहीं चाहिए बिल्डिंग का पानी. सिंपल सी बात है भाई. और दूसरी बात है, मेरे को वाटर मिल रहा है ना, मेरे को सेपरेट गुड्स एंड सर्विस मिल रहा है ना, मेरे को सेपरेट वाटर मिल रहा है. समझे कि नहीं समझे? मेरे को नहीं चाहिए बिल्डिंग का पानी, मैं अपना लेके आऊंगा. फिर तो ये नॉन लीज कंपोनेंट है, ये नॉन लीज कंपोनेंट है डेफिनेटली. पर वो क्या बोल रहा है? प्रैक्टिकल एक्सपीडिएंट टू कंबाइन द लीजन. वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसको लग रहा है यार, शायद इमटेरियल अमाउंट है. पर लीटर हम कितना पानी का बिल देते होंगे यार? हमारा कॉन्ट्रैक्ट कितना है? 5 लाख रुपए का पर ईयर. पानी का साल भर का हमारा निकलता होगा मुश्किल से 5,000 रुपए. हमें क्या इसको नॉन लीज कंपोनेंट मान के अलग करो, छोड़ो इसको लीज कंपोनेंट ही मानो. बात समझ आ रही कि नहीं? तो ये इसीलिए कर सकता है. आंसर क्या दे रहा है? नॉन लीज कंपोनेंट और लीज कंपोनेंट, वो बोल रहा है प्रैक्टिकल एक्सपीडिएट कंबाइन करने का कर रहा है वो. अगर वो कंबाइन करने का कर रहा है तो क्या करेगा? मतलब वो लीज का ही पार्ट मानेगा. अब अगर वो लीज का पार्ट मानेगा तो अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लीज पेमेंट में कहां पर आएगा? फिक्स्ड में आएगा, इन सब्सटेंस में आएगा, वेरिएबल में आएगा, कहां पर आएगा? फिक्स्ड में तो आएगा नहीं, क्योंकि फिक्स 5 लाख है. इन सब्सटेंस भी नहीं आएगा, इन सब्सटेंस भी नहीं आएगा. वेरिएबल बट नॉट बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट है.
तो नहीं, लीज कंपोनेंट का पार्ट है, पर ये क्योंकि लीज पेमेंट में नहीं आएगा तो ये डायरेक्टली पीएनएल में जाएगा, पर एज अ पार्ट ऑफ क्या जाएगा, वेरिएबल लीज पेमेंट एक्सपेंस दिखाया जाएगा, इस लीज पेमेंट एक्सपेंस दिखाया जाएगा, ठीक है ना। और अगर ये प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई नहीं कर रहा है तो नॉन लीज कंपोनेंट है, तो भी यहां पर सीधा पीएनएल में मानते हुए वाटर एक्सपेंस दिखेगा। हम दो अलग अलग बातें कर, नहीं लीज लाइबिलिटी में इंक्लूड नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, इन सब्सटेंस तो है नहीं, पर वेरिएबल है और नॉट बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट है ना भाई, जितना पानी पियोगे जितना पानी खर्च करोगे उतना ही पैसा लेंगे, तो वो तो वेरिएबल हो गया है ना, और नहीं लूंगा, नहीं यूज किया तो नहीं दूंगा, तो ये तो वेरिएबल हो गया ना एक तरीके से। सीधे पिंडर में डालते हैं, मतलब इन एनी केस चाहे वो प्रैक्टिकल एक्सपीडियंट अप्लाई कर रहा है चाहे नहीं कर रहा है, जाएगा तो वो पिंडल में ही, बस एक बार वो पिंडल में जाएगा लीज पेमेंट के नाम पे डायरेक्टली, और एक बार वो जाएगा नॉर्मली नॉन लीज कॉम्पोनेंट वाटर चार्जेस के हिसाब से कि मैं वाटर खरीद रहा हूं, कोई लीज का पार्ट नहीं है। समझ में आया कि नहीं? क्वेश्चन 25, बीच में अपन इतने क्वेश्चन छोड़े थे क्या यार, दिस मस्ट बी द लास्ट है ना, बीच वाला 25। चलो क्वेश्चन नंबर 25, एन एंटिटी अ लेसी इंटर्स इनटू अ लीज एंड गारंटीज दैट द लेसर विल रियलाइज 20,000 रुपए फ्रॉम सेलिंग द असेट टू अनदर कंपनी एट द एंड ऑफ लीज एट कमेंस लीज कमेंसमेंट बेस्ड ऑन लेसीज एस्टिमेट ऑफ रेसिडुअल वैल्यू ऑफ अंडरलाइंग असेट, द लेसी डिटरमाइंस दैट इट एक्सपेक्ट्स दैट इट विल ओ ₹8,000 एट द एंड ऑफ लीज, वेदर द लीज लेसी शुड इंक्लूड द सेट पेमेंट, ऑब्वियसली। अरे वो लेसी कितना क्या गारंटी कर रहा है, लेसर को ₹20 मिलेंगे, अगर नहीं मिलेंगे तो मैं दूंगा, एंड में उसको लग रहा है, अब उसको स्टार्ट में लग रहा है यार मुझे लगता है कि उसको ₹20 नहीं मिलेंगे, उसको मतलब वो 12,000 तक तो रियलाइज कर लेगा, 8,000 मतलब मुझे कॉम्पनसेट करना पड़ेगा, तो वो बोल रहा है कि हाँ भाई मुझे लगता है कि मुझे देना पड़ेगा, और ऊपर दिया भी है, सिंपल वो कुछ खास है ही नहीं, ठीक है। हमने फाइनली क्वेश्चंस कंप्लीट कहां तक किए थे, 30 तक, 31, 31 तक, 31 तक आई थिंक। हाँ 31 तक हो गया ना, आइए 32, 32 नंबर, 32, लेट्स सी आ जाएगा, याद आ जाएगा, ठीक है। हो सकता है, देखते हैं, लेट्स सी। चलो लेसी इंटर्स इनटू अ 10 ईयर लीज फॉर 2,000 स्क्वायर मीटर्स, 2,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस एट द बिगिनिंग ऑफ, सर 10 साल का है, ठीक है, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 6 द लेसी एंड लेसर अग्री टू अमेंड, अमेंड मतलब मॉडिफिकेशन, अमेंड द ओरिजिनल लीज फॉर द रिमेनिंग 5 ईयर्स टू इंक्लूड एन एडिशनल 3,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस इन द सेम बिल्डिंग। वन सेकेंड, अभी अभी हमने एक पढ़ा था ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर सिनर्जी इफेक्ट वाला क्वेश्चन पढ़ा था ना, ठीक है, 10 साल के लिए मैंने 2,000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस लिया एक बिल्डिंग में, 10 साल के लिए लिया, 5 साल तक लगातार यूज किया, 6ठे साल पर ओरिजिनल लीज को अमेंड किया ऐसा बोल रहा है, ठीक है, ओरिजिनल लीज एग्रीमेंट को अमेंड किया, और फॉर द रिमेनिंग 5 ईयर्स टू इंक्लूड एन एडिशनल 3,000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस इन द सेम बिल्डिंग, द एडिशनल स्पेस इज मेड अवेलेबल फॉर यूज बाय लेसी एट द एंड ऑफ सेकंड क्वार्टर ऑफ 6th ईयर।
उसको अवेलेबल हो जाएगा सेकेंड क्वार्टर पे. द इंक्रीज इन टोटल कंसिडरेशन फॉर द लीज इज कमेंसुरेट विद द करंट मार्केट रेट फॉर द न्यू 3000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस. जो एडिशनल 3000 स्क्वायर मीटर में स्पेस दे रहा हूं आपको, उसके लिए किराया कितना ले रहा हूं स्टैंड अलोन प्राइस पर. एडजस्टेड फॉर द डिस्काउंट दैट लेसी रिसीव्स रिफ्लेक्टिंग दैट लेसर डज नॉट इनकर कॉस्ट दैट इट वुड अदरवाइज हैव इनकर्ड इफ लीजिंग द सेम स्पेस टू अ न्यू टेनेंट. हाँ, बस थोड़ा बहुत डिस्काउंट दे रहा हूं उस सेंस में कि अगर, क्योंकि वो एग्जिस्टिंग लेसी को ही दे रहा हूं इसीलिए, क्योंकि अगर मैं कहीं नई पार्टी को अगर मैं ये 3000 स्क्वायर स्पेस देता तो उसके लिए मुझे कुछ खर्चा बियर करना पड़ता. तेरे लिए खर्चा बियर नहीं कर रहा तो हल्का फुल्का डिस्काउंट दे रहा हूं, बाकी मैं प्राइस तरह से नॉर्मली चार्ज कर रहा हूं. हाउ शुड द सेड मॉडिफिकेशन बी अकाउंटेड फॉर. क्या मानना चाहिए, जो 3000 का एडिशनल स्पेस हमने लिया है हम इसको सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट माने नहीं माने, सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट नहीं माने. क्यों? हाँ, आपको आपको एडिशनल आरओयू जनरेट हो रहे हैं कि नहीं? ठीक है, सेम बिजनेस के लिए माना आपको एडिशनल आरओयू जनरेट हो रहे हैं कि नहीं, आपको एडिशनल आरओयू जनरेट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस पे हो रहे हैं कि नहीं. ये तो लीज मॉडिफिकेशन की दोनों कंडीशन फुलफिल कर रहे हैं. वी स्मार्ट से आपने एक रूम किराए पर लिया अब पढ़ाने के लिए, आगे आके होते होते आपका बढ़ता गया बिजनेस, आपने वी स्मार्ट से एक और रूम किराए पर ले लिया, प्रेस्टीज में एक और रूम किराए पर ले लिया. वो सिर्फ उतना कि भाई अगर मैं किसी और पार्टी को देता तो मैं अखबार में उसका एडवर्टीजमेंट देता, मैं खर्चे करता, मेरा वो खर्चा से हो गया, चल मैं तेरे से वो तेरे को मैं डिस्काउंट दे रहा हूं. लिखा है उसने, ध्यान से देख, फॉर एग्जाम्पल मार्केटिंग कॉस्ट. अगर मुझे नया किसी पार्टी को लीज पे देना पड़ता तो मुझे खर्चे करने पड़ते, ब्रोकरेज देना पड़ता, मार्केटिंग का खर्चा करना पड़ता, वो मेरा सेव हो गया, उतना डिस्काउंट मैं तेरे को दे रहा हूं. बाकी भाई जितना बनता है किराया मैं उतना तो तेरे से लूंगा, नॉर्मली मैं तेरे से किराया उतना ही ले रहा हूं जितना बनता है लेस मार्केटिंग कॉस्ट. तो ये स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रहा है. हाँ, और एडिशनल आरओयू ग्रांट हो रहा है क्योंकि एडिशनल स्पेस है. तो क्या मानोगे आप, एडिशनल जो आपने लिया है उसको एक सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट मानोगे क्योंकि ये लीज मॉडिफिकेशन हो गया, इसमें स्कोप बढ़ गया, आरओयू एडिशनली ग्रांट हो गए एट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस, तो इसीलिए ये सेपरेट लीज कॉन्ट्रैक्ट माना जाएगा. पढ़िए इसके आंसर को, मेरे हिसाब से आंसर वही होगा. लेसी अकाउंट्स फॉर द मॉडिफिकेशन एज अ सेपरेट लीज, सेपरेट फ्रॉम द ओरिजिनल 10 ईयर लीज, बिकॉज द मॉडिफिकेशन ग्रांट्स लेसी एन एडिशनल राइट टू यूज एन अंडरलाइंग एसेट एंड द इंक्रीज इन कंसिडरेशन फॉर द लीज इज कमेंसुरेट विद द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल राइट ऑफ यूज एडजस्टेड टू रिफ्लेक्ट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट. In this example, additional underlying asset is of is the new 3000 square meters of office space. Accordingly, at the commencement date of new lease, at the second of the quarter of his sixth year, the lessee recognized ROU asset and lease liability relating to the lease of a additional 3000. मतलब आप दो-दो ROU asset होंगे कि नहीं? आप दो-दो ROU asset होंगे और दो-दो lease liability होंगी, ठीक है? डिस्टिंक्ट है, बिल्कुल. न्यू आरओयू ग्रांटेड मतलब डिस्टिंक्ट होने चाहिए वो. हाँ, लेसी डज नॉट मेक एनी एडजस्टमेंट टू द अकाउंटिंग फॉर ओरिजिनल लीज ऑफ 2000 स्क्वायर मीटर ऑफ ऑफिस स्पेस एज अ रिजल्ट ऑफ दिस मॉडिफिकेशन. क्लियर बेटा? ये तो बिल्कुल ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है. आगे बढ़ते हैं, सेकेंड मतलब 33. लेसी, हाँ ये 33, एक सेकेंड 33 और एक सेकेंड 34, वन सेकेंड रुकना है ना, 34, हाँ 33 आओ, ठीक है 33 पे आओ. लेसी इंटर्स इनटू अ 10 ईयर लीज फॉर 5000 स्क्वायर मीटर्स ऑफ ऑफिस स्पेस, ठीक है. द एनुअल लीज पेमेंट्स आर ₹1 लाख पेबल एट द एंड ऑफ ईच ईयर. भाई एट द एंड ऑफ लीज ईयर लिख दिया इस बार, ठीक है. चलो,
इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज कैन नॉट बी रेडली डिटरमाइंड, बार बार तो यही बोल रहा है, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट कमेंसमेंट डेट इज 6% पर एनम, एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 7 कब कितना ओरिजिनल था 10 साल, लेसी लेसर अग्री टू अमेंड द ओरिजिनल लीज बाय एक्सटेंडिंग द कॉन्ट्रेक्चुअल लीज टर्म बाय 4 ईयर्स, ओरिजिनल कितना था 4 से बढ़ा 4 बढ़ा दो कितना होगा 14 साल, और कब बढ़ाया 6ठे साल के बाद, तो 7वां 8वां 9वां 10वां 11वां 12वां 13वां 14 8 साल हो गई, रिमेनिंग 8 साल हो गया, क्या फ्लोर नया ले रहे हैं क्या? नो, फ्लोर नया नहीं ले रहे हैं, एडिशनल आरओयू ग्रांटेड नहीं हो रहा है, तो पक्की जब एडिशनल आरओयू ग्रांट नहीं हो रहा है तो ये लीज मॉडिफिकेशन को रीमेजरमेंट मानेंगे, लीज मॉडिफिकेशन को क्या मानेंगे रीमेजरमेंट, ये क्वेश्चन है तुम्हारा रीमेजरमेंट का और प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, कैलकुलेशन लगेंगी इसमें। द एनुअल लीज पेमेंट्स आर अनचेंज्ड, ओहो अनचेंज्ड मतलब 7वां 8वां 9वां 10 का तो 1 लाख ही था, 11वां 12वां 13वां 14 का भी 1-1 लाख ही रहेगा, लेसीज इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट एट द बिगिनिंग ऑफ ईयर 7 इज 7%, डिस्काउंट रेट चेंज हो गया, होना भी चाहिए, हमने पढ़ा था जब भी रीमेजरमेंट करते हैं और लीज टर्म चेंज हो जाता है, और लीज टर्म जब चेंज होता है तो डिस्काउंटिंग रेट आपको चेंज करना पड़ता है, तो इसने नया डिस्काउंटिंग रेट दे दिया आपको, नहीं आया क्या समझ में? अरे लीज टर्म बदलती तो नया डिस्काउंटिंग रेट आ जाएगा ना। हाउ शुड द सेट मॉडिफिकेशन बी अकाउंटेड फॉर, आइए कैलकुलेटर निकालिए, चलो सॉल्व करते हैं इसको, इंस्टीट्यूट का आंसर बाद में देखेंगे, ठीक है ना, अभी मत देखना, कौन सा नंबर क्वेश्चन है 33। अपन पहले हेडिंग डालते हैं ओरिजिनल टर्म्स, इसको पहले हेडिंग डाल दो ओरिजिनल टर्म्स, हम अभी जितना भी सॉल्व करेंगे ओरिजिनल टर्म्स के अकॉर्डिंग, मुझे बताइए ओरिजिनल टर्म्स क्या क्या है मैम, सबसे पहले लीज टर्म कितना 10 ईयर्स, डिस्काउंटिंग रेट 6%, लीज पेमेंट पर एनम 1 लाख, बस यही टर्म है, कोई जीआरवी वीआरवी वगैरह कुछ भी नहीं है ना, हाँ जी लीज पेमेंट पर एनम एट एंड, एट एंड, हाँ मुझे बताइए लीज लायबिलिटी कितने पे आएगी, लीज लायबिलिटी शैल बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, सम ऑफ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट एट 6%, दैट इज ऐसे ही बता दोगे क्या कि अपन इतना टेबल बनाए, टेबल बनाना है बना लो, मैं कैलकुलेटर निकाल लेता हूं, चलो बनाओ, एक दो तीन 7,36,008, तो 7,36,000 कर दे अप्रोक्स, या 36,000 10 रुपया 010 10 रुपया कर देते, चलो 7,36,010 इतना क्लियर, बोलो जर्नल एंट्री क्या होगी, आरओयू असेट अकाउंट डेबिट टू लीज लायबिलिटी, हाँ कितना 7,36,010 736010, क्लियर है कि नहीं, क्लियर है, टर्म्स चेंज कब हो रही है 7th बिगनिंग, तो मुझे 6th ईयर एंड का लीज लायबिलिटी का और आरओयू असेट का कैरिंग अमाउंट चाहिए, अभी भी हम ओरिजिनल टर्म्स में ही चल रहे हैं, तो कैसे निकालोगे क्या करोगे, या तो लीज लायबिलिटी का अकाउंट बना लो सबसे बेस्ट, या तो टेबल बना लो, और आरओयू असेट को तो ऐसे ही निकाल लेंगे, अच्छा अब एक काम करते हैं, हेडिंग डालते हैं एट द बिगिनिंग ऑफ 7th ईयर
हाँ इस बार टेबल बनाते हैं, कैरिंग अमाउंट ऑफ ऑफ कैरिंग अमाउंट एट ओरिजिनल टर्म्स ऑफ, दो चीजों का कैरिंग अमाउंट किस किस का, तो पहला आरओयू, आरओयू कितना आएगा 736010 डिवाइडेड बाय 10 इंटू 4, मैंने डायरेक्ट कर दिया टू नाइन फोर फोर जीरो फोर, और दूसरा लीज लाइबिलिटी, राइट, इसके लिए ईयर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट लीज पेमेंट प्रिंसिपल क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग, पहला साल 736010 इंटरेस्ट 6% के हिसाब से 44161, लीज पेमेंट 1 लाख, तो क्लोजिंग वैल्यू बची 680171, प्रिंसिपल अगर निकालना चाहो तो निकाल सकते हो अलग से, प्रिंसिपल कैसे आएगा, लीज पेमेंट में से इंटरेस्ट माइनस कर दो, लीज पेमेंट में से इंटरेस्ट माइनस करो, 1 लाख में से 44161 माइनस करो तो 55839, अगर आप ओपनिंग में से 55839 माइनस करोगे तो भी आपका क्लोजिंग आएगा, सेकंड 680171, छह परसेंट 408 10, तो आपका ये बचेगा क्लोजिंग 620981, 620981। एक बार प्लीज थोड़ा सा जल्दी निकाल के मुझे फाइनल आंसर छठे साल के एंड का बताइए। बन जाएगा ना अब, तो मुझे आप कब का दोगे, सिक्स्थ ईयर के एंड का क्लोजिंग चाहिए, 346 513, ये हो गया लीज लाइबिलिटी का क्लोजिंग बैलेंस, और आरओयू असेट था 294404। अच्छा यहां लिख देना आरओयू में अज्यूमिंग एसएलएम, अज्यूमिंग एसएलएम, ये तो हो गई आपकी ओरिजिनल टर्म्स, ठीक है, ये क्या हो गई ओरिजिनल टर्म्स, अब मॉडिफाइड टर्म्स, अब एक नया हेड, मॉडिफाइड टर्म्स, हाँ जी बताइए क्या क्या टर्म्स है मॉडिफाइड, इसमें रिमेनिंग लीज टर्म इज 8 ईयर्स, कैसे 7th to 14th, हाँ रिवाइज्ड डिस्काउंट डिस्काउंटिंग रेट शायद 7% हो गया, लीज पेमेंट पर एनम स्टिल 1 लाख रुपए एट एंड, बोलो है ना,
बताइए लीज लायबिलिटी कितनी होगी? लीज लायबिलिटी शुड बी, पहले लिख लो, शुड बी प्रेजेंट वैल्यूज ऑफ रिमेनिंग रिमेनिंग लीज पेमेंट्स पेबल एट रिवाइज्ड डिस्काउंटिंग रेट। ठीक है, जल्दी बताओ कितना होगा। हाँ फाइव लाख वन वन थ्री 130। यही आ रहा है। एक बात आउट ऑफ इससे बात करनी थी मुझे, एग्जाम में कैसे करके आओगे? एग्जाम में कैलकुलेटर का 12 डिजिट राउंडिंग लोगे कि 2 डिजिट राउंडिंग लोगे? 2-3 डिजिट राउंडिंग। नहीं, मैं वो नहीं पूछ रहा हूँ, मैं कुछ और पूछ रहा हूँ कि आप जैसे 10% है तो अपन क्या करते हैं, मोस्टली कैलकुलेटर पे कैलकुलेट कर लेते हैं, तो अपन कैलकुलेटर पे तो 12 डिजिट होती हैं तो एक्यूरेसी ज़्यादा हो जाती है, पर एग्जाम में जब सॉल्व करके आओगे तो आप क्या लोगे? 0.9091, 0.8263, मतलब ऐसे करके एग्जैक्टली उतना उतना लेके आओगे कि आप कैलकुलेटर के हिसाब से सॉल्व करोगे? एग्जैक्टली ही लेना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि उससे आपका हाँ। मेरा कहने का मतलब कि आप मतलब मैं एक बात ये कह रहा हूं कि कैलकुलेटर का उपयोग, मतलब डायरेक्ट कैलकुलेटर के शॉर्टकट्स मत अप्लाई करना, आप फिगर्स लिख के उसको सॉल्व लेके करके करना पड़ेगा, क्योंकि इससे इंस्टीट्यूट के आंसर में और आपके आंसर में 100-200 रुपए का फर्क आ सकता है। फर्क आया तो वो साला पता नहीं क्या अपने को, कैसा अपने को ट्रीट करे। मैं आपको एक बात बताऊं, बल्कि मुझे इसमें इंस्टीट्यूट को जितना मैंने देखा है एज फार एज माई सब्जेक्ट इज कंसर्न, जनरली बेचारे वो डिस्काउंटिंग रेट के पॉइंट्स दे देते हैं, दे देते हैं वो, तो अगर वो दे देंगे तो फिर पॉइंट ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है फिर तो, क्योंकि वो भी जानते हैं कि अगर हमने नहीं दिया तो कोई बच्चा 12 डिजिट तक जाएगा, कोई बच्चा 2 डिजिट तक जाएगा, कोई बच्चा 4 डिजिट तक जाएगा, कोई बच्चा कैलकुलेटर का अप्लाई करके डायरेक्ट लिख देगा शॉर्टकट, तो फिर कौन कौन चेकर कितना कितना करता रहेगा यार। एनीवेज ठीक है, समझ गए ना, ध्यान रखना। अब मुझे बताओ लाइब्रेरी जेट शुड बी, लाइब्रेरी शुड बी सम ऑफ दिस। हाँ बताओ, ये लाइब्रेरी कौन सी वाली है? लाइब्रेरी रिवाइज्ड लाइबिलिटी। बताओ आप क्या करेंगे? सो फाइनली कंक्लूजन लिखो। लीज लाइबिलिटी एज पर मॉडिफाइड टर्म्स, फाइव 97 130। लीज लाइबिलिटी एज पर ओरिजिनल टर्म्स 3 लाख समथिंग था ना, 346 513। तो चेंज कितना हुआ?
250617 ये क्या होगा, इंक्रीज इन लीज लायबिलिटी। हाँ, कहाँ इंपैक्ट करेगा, रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन आरओयू। एंट्री क्या करेंगे, आरओयू अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू लीज लायबिलिटी कितना, 250617 250617। गाइस क्लियर, इनका आंसर क्या है, 250745 राउंडिंग ऑफ हो रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33 डन, बोलो गाइस क्लियर। ठीक है, अभी कुछ क्वेश्चंस हम आगे और करते रहेंगे, पर थोड़ा थोड़ा रुक जाइए। 34 रोक दीजिए, 35 भी रोक दीजिए और 36 भी रोक दीजिए। ये मॉडिफिकेशन के क्वेश्चंस है, मैं करवाऊंगा। अब अपन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन क्वेश्चन अपन क्वेश्चन बीच में छोड़ रहे हैं, रोक देते हैं। अब अपन आगे बढ़ना चाह रहे हैं, क्या करेंगे अपन आगे, अब पार्ट 5 लेसर की बुक्स, पार्ट 5 लेसर की बुक्स। लेसर की बुक्स पार्ट 5 लेसर की बुक्स। लेसर की बुक्स पढ़ के आपको ये एहसास होगा, अगर थोड़ा बहुत भी आईपीसीसी के डेज याद हैं, तो आप AS 19 पढ़ रहे हो बेसिकली। मैंने पहली क्लास में ही बोला था कि देर आर नो चेंजेस इन केस ऑफ लेसर्स बुक, सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया गया है लेसर में, ठीक है। क्या सेम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया गया है, मतलब वही क्लासिफिकेशन लेसर अप्लाई करेगा जो पुराने एएस में हुआ करता था, लाइक ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज। मतलब लेसर जब लेसी को असेट दे रहा है तो लेसर के पास दो ऑप्शन है, या तो वो उस लीज को ऑपरेटिंग लीज माने या तो वो उस लीज को फाइनेंस लीज माने। सर क्या होता है ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज, मैं पहले जनरल बात कर रहा हूं, ठीक है ना। ऑपरेटिंग लीज का मतलब होता है अ लीज विच इज नॉट फाइनेंस लीज, लीज विच इज नॉट फाइनेंस लीज, मतलब पूरा का पूरा डिपेंडिंग किस पे हो गए अपन, डिपेंडेंसी फाइनेंस लीज के ऊपर, ठीक है ना। फाइनेंस लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज क्या होता है, फाइनेंस लीज का डेफिनेशन है वेयर मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ असेट आर ट्रांसफर टू लेसी। लेसी को मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू द ट्रांसफर ऑफ इंसिडेंटल टू द ओनरशिप ऑफ द असेट। देखो अभी तक हम जहां पर लेसी में खड़े थे ना, तो हम क्या बात कर रहे थे, सुनिएगा ध्यान से, आपको याद दिला रहा हूं मैं एक चीज कि अगर एक बिल्डिंग है जिसकी लाइफ 40 साल है, क्या है जिसकी लाइफ 40 साल, और लेसी को सिर्फ 10 साल के लिए असेट दिया गया है, कितने साल के लिए 10 साल के लिए, तो लेसी को यह देखना है क्या इस 10 साल में मेरे को मैक्सिमम जितने भी इकोनॉमिक बेनिफिट हो सकते हैं, सिर्फ 10 साल में, 40 साल के इकोनॉमिक बेनिफिट नहीं। लेसी को क्या डिटरमाइन करना है,
आउट ऑफ 10 की आउट ऑफ 40, आउट ऑफ 10 वेदर आई हैव राइट टू जनरेट, राइट टू ऑब्टेन द मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स आउट फॉर द लीस्ट टर्म ओनली. क्या इस 10 साल में मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल सकते हैं कि नहीं? क्या इस 10 साल के मेरे पास राइट टू यूज है कि नहीं? क्या इस 10 साल का डायरेक्शन का यूज राइट, डायरेक्शन देने का राइट मेरे पास है कि नहीं? अगर है तो मैं लेसी हूं और मैं क्या क्रिएट करूंगा? आरओयू. बट अब लेसर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो कि यही बिल्डिंग लेसर क्या बोलेगा. लेसर बोलेगा क्या यह बिल्डिंग मैंने लेसी को जो प्रोवाइड की है, क्या इस पूरे 40 साल के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, मैक्सिमम 40 साल के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स उसको दिए क्या? क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू द ओनरशिप? नाउ आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 10 इयर्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द इंटायर यूजफुल लाइफ, बिकॉज फॉर लेसर असेट तो पूरी यूजफुल लाइफ मेरे पास है. तो लेसर विल डिटरमाइंड कि क्या मैं लेसी को जो राइट्स दे रहा हूं वो राइट्स से जुड़े हुए सारे रिस्क सारे रिवॉर्ड्स लेसी को दे दिए क्या? तो लेसर बोलेगा यार मैंने तो सिर्फ 10 इयर्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स दिए, 30 इयर्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स तो मैंने उसको दिए ही नहीं है. तो क्या सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स लेसी को दिए क्या? नहीं. इसका मतलब ये लीज फाइनेंस लीज नहीं है मेरे लिए. पर लेसी बोलेगा कि मेरे लिए तो ये लीज है क्योंकि मेरे को 10 इयर्स में मैं मैक्सिमम बेनिफिट्स यूज कर सकता हूं. 10 इयर्स में डायरेक्ट करने का ऑप्शन किसके पास आ गया? मैं बीच में लेसर नहीं आएगा, 10 साल में बीच में लेसर अपनी टांग नहीं अड़ाएगा. 10 साल के दौरान ऑपरेशन का पूरा एक्टिविटी ऑपरेटिंग राइट्स किसके पास है? लेसी के पास है. लेसी बोल रहे 10 साल के लिए तो मैं इसको असेट बनाऊंगा. पर यहीं पे लेसर भी बोलेगा कि मैं भी इसको अपनी बुक्स से हटाऊंगा नहीं, मैं भी इसको अपनी बुक्स में दिखाऊंगा. क्यों? क्या मैंने मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर कर दिए क्या? मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स फॉर द लेसर इन फॉर द लेसर यू विल एक्चुअली कंसीडर इट बाय कंपेयरिंग 40 इयर्स लाइफ. बट एज फार एज लेसी इज कंसर्न्ड, यू हैव टू कंसीडर द राइट टू यूज, राइट टू कंट्रोल ओनली फॉर एज गुड ओनली फॉर 10 इयर्स लाइफ. आपको नहीं लगता दोनों अपनी अपनी बुक्स में अब असेट दिखा रहे हैं? अपनी अपनी बुक्स में दोनों असेट दिखा रहे हैं. लेसी क्या दिखा रहा है? आरओयू फॉर 10 इयर्स. और लेसर क्या दिखा रहा है? असेट पीपी फॉर 40 इयर्स, बिकॉज आई विल गेट बैक द असेट. अंडरस्टूड और नॉट? वापस से चलते हैं, मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूं. अंडर लेसर, लेसर हैज टू डिटरमाइन कि लीज उसका कौन सा है, लीज क्लासिफिकेशन उसको कौन सा करना है. लीज क्लासिफिकेशन दो टाइप के हो सकते हैं, ऑपरेटिंग लीज और फाइनेंस लीज. ऑपरेटिंग लीज मतलब ऐसी कोई भी लीज जो फाइनेंस लीज नहीं है. मतलब हम ऑपरेटिंग लीज को डिफाइन नहीं कर रहे. हम किसको डिफाइन करना पड़ेगा? हमें फाइनेंस लीज को डिफाइन करना पड़ेगा. फाइनेंस लीज क्या बोलता है? वेयर मेजर रिस्क मेजर रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू द ओनरशिप. ओनरशिप से जुड़े हुए मेजर रिस्क एंड रिवॉर्ड्स क्या मैंने ट्रांसफर कर दिए? यहीं पर मैं आपको बोलूं कि लेसी को उसने 37 ईयर्स की लीज पर असेट दे दी. अब क्या करोगे? लेसी को उसने 37 ईयर्स की लीज पर दे दिया असेट, और 3 साल मेरे पास एंड में पड़ी रहेगी. क्या मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए? फाइनेंस लीज हो गई है. अब अगर ये फाइनेंस लीज हो गई तो लेसी तो आरओयू फिर भी दिखाता रहेगा 37 इयर्स के लिए. क्या लेसर इसको अपनी बुक्स में असेट दिखाएगा क्या 3 इयर्स के लिए? मतलब इनिशियली क्या बुक्स अपनी बुक्स में असेट दिखाएगा क्या? लेसर को ये बुक्स ये असेट मानना पड़ेगा कि उसने एज गुड एज सेल कर दी. लेसर विल बी ट्रीटेड एज डीम्ड सेलर. क्यों? बिकॉज लेसर हैज ट्रांसफर्ड सब्सटेंशियल रिस्क सब्सटेंशियल रिवॉर्ड. दैट मीन्स माना जाएगा कि मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए, मतलब द असेट इज एक्चुअली सोल्ड ऑफ. सो फाइनेंस लीज अज्यूम करता है, फाइनेंस लीज ये कहता है कि अगर आप फाइनेंस लीज मानते हो तो आपको मतलब लेसर, अब ना आपको आपको बोलू हम क्या पढ़ रहे हैं? लेसर पढ़ रहे हैं. तो आप लेसर के पॉइंट ऑफ सोचना है. तो अगर आप फाइनेंस लीज मान रहे हो तो आपको ये असेट को सेल दिखाना पड़ेगा. क्या दिखाना पड़ेगा? सेल. मतलब आपको ये असेट अपनी बुक्स में से डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि आपने मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर दिए. ऑल्दो लीगल ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं किए, बट सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म अगर देखें, सब्सटेंस ओवर लीगल फॉर्म क्या होता है? लीगलिटी को मत देखो, सब्सटेंस क्या है, एक्चुअल टर्म्स क्या है. अगर वैसा देखा जाए तो आपने एज गुड एज एक तरीके से सेल कर दिया. अगर आपने सेल कर दिया तो आपको फिर असेट को डी रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा. सो दो पॉइंट आपको याद रखने हैं. ऑपरेटिंग लीज में असेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करते, और फाइनेंस लीज में असेट को डी रिकॉग्नाइज करते हैं. मैं फिर से बोल रहा हूं, ऑपरेटिंग लीज में असेट को डी रिकॉग्नाइज नहीं करते. क्यों नहीं करते?
क्योंकि मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर नहीं होते हैं, और फाइनेंस लीज में असेट को डी रिकॉग्नाइज करने पड़ते हैं, क्यों? क्योंकि मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होते हैं। आ रही है मेरी बात समझ में कि नहीं? अंडरस्टूड और नॉट? टेल मी, अगर फाइनेंस लीज है तो लेसर एंट्री क्या करेगा, क्योंकि डी रिकॉग्नाइज करना पड़ रहा है। लेसर एंट्री क्या करेगा अगर फाइनेंस लीज है तो? फिर से बोलना, लेसी अकाउंट डेबिट, क्योंकि लेसी से लेगा वो टू असेट। यहां पर मैं बोलूंगा लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, हम उधर क्या बोल रहे थे लीज लाइबिलिटी, यहां पर वो क्या बोलेगा लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू, बोलो टू असेट। कौन से केस में? फाइनेंस लीज के केस में। और इसको लीज रिसीवेबल को क्या मानोगे? एक तरीके से फाइनेंशियल एसेट। अरे फाइनेंशियल एसेट मानोगे ना इसको? हाँ, पी एंडल में आएगा, क्योंकि ऑब्वियसली आपका जो एसेट जाएगा वो आपका डब्ल्यूडीबी मतलब कैरिंग अमाउंट पे होगा, और लीज रिसीवेबल आएगा आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। है ये क्या होता है अभी हम उसके बारे में पढ़ेंगे, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज NIL। हाँ समझेगी नहीं? अरे समझेगी नहीं? क्लियर? और अगर ऑपरेटिंग लीज होगी तो? अगर ऑपरेटिंग लीज होगी तो ऐसी कोई असेट डी रिकॉग्निशन की नहीं होगी, तो फिर क्या एंट्री होगी? लेसर इज जस्ट गेटिंग द लीज रेंट एज इनकम, लेसर हैज टू रिकॉग्नाइज द इनकम डायरेक्टली इन द पीएनएल। हाउ टू रिकॉग्नाइज दैट इज अ सब्जेक्ट मैटर, वो हम बात करेंगे कि वो इनकम कैसे वर्क होगी, बट असेट इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड। इंडेस 40 लग सकता है, इंडेस 40 क्यों लग सकता है? लेसर के लिए ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, लेसर ने इसको दे दिया रेंटल पर्पस के लिए ऑपरेटिंग लीज, और अपनी बुक्स में वो प्रॉपर्टी दिखा रहा है, पर फाइनेंस लीज में तो वो अपनी बुक्स में प्रॉपर्टी दिखाई नहीं रहा है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी दिखेगा ही नहीं। ये आपने बहुत अच्छी बात बताई कि ऑपरेटिंग लीज के केस में लेसर विल ट्रीट द असेट एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। आई बात समझ में कि नहीं? हाँ, बस सब्जेक्ट टू द कंडीशन कि वो लैंड एंड बिल्डिंग होना चाहिए, लैंड और बिल्डिंग और लैंड एंड बिल्डिंग। अंडरस्टूड और नॉट? अब फाइनेंस लीज और ऑपरेटिंग लीज समझने के पहले, मतलब फाइनेंस मतलब इनका ट्रीटमेंट समझने के पहले, पहले अपन ये समझ लेते हैं कि फाइनेंस लीज होती क्या है और ऑपरेटिंग लीज क्या होती है। हमने तो ये बता दिया, अभी हमने एक डिस्कशन क्या किया, अब मेरे साथ आइए फिर से। ऑपरेटिंग लीज मतलब विच इज नॉट अ फाइनेंस लीज, फाइनेंस लीज मतलब वेयर सब्सटेंशियल रिस्क एंड सब्सटेंशियल रिवॉर्ड। ये रिस्क और रिवॉर्ड मतलब रिस्क इंसिडेंटल टू ओनरशिप, रिवॉर्ड्स इंसिडेंटल टू ओनरशिप ऑफ असेट। क्या रिस्क एंड रिवॉर्ड क्या होते होंगे? रिवॉर्ड्स मतलब इकोनॉमिक बेनिफिट्स, कि मतलब मैं तेरे को दे रहा हूं तो अब तो तेरे को टर्नओवर होगा, तेरा इकोनॉमिक बेनिफिट बढ़ेगा, तेरा रेवेन्यू जनरेट होगा, तेरी कॉस्ट सेविंग होगी, तेरे को टैक्स बेनिफिट्स मिलेंगे, जो भी रिस्क, जो भी उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा, खर्चा तेरा, इंश्योरेंस हर साल का तेरे को करवाना पड़ेगा अगर गाड़ी दिए तो, बोल बेटा, इंपेयरमेंट जो भी नुकसान होगा वो तेरा नुकसान होगा, एंड में जाके अगर उसकी रेसिड्यू वैल्यू कम हुई तो वो तेरा नुकसान, मेरे को तेरे को कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, अगर बढ़ भी गई तो भी वो तेरा फायदा, क्योंकि रिवॉर्ड्स हैं। तो सब्सटेंशियल रिस्क सब्सटेंशियल रिवॉर्ड्स उस सेंस में बोलते हैं। एक बार इसको ना इसमें पढ़ लिया, रिस्क एंड रिवॉर्ड ये दिए हुए हैं, एक बार इसको पढ़ लो, रिस्क में क्या आता है, रिवॉर्ड में क्या आता है, रिस्क में और रिवॉर्ड में क्या क्या आता है।
रीड कर लिया आपने रिस्क एंड रिवॉर्ड्स? हाँ अच्छा, सो देर आर टू टाइप्स ऑफ लीजेस, वन इज ऑपरेटिंग, वन इज फाइनेंस लीज, ठीक है, वन इज ऑपरेटिंग एंड वन इज फाइनेंस लीज। अब आप बोलोगे सर लेसर की अकाउंटिंग चेंज क्यों नहीं हुई, जब लेसी की चेंज हुई तो लेसर की भी चेंज होनी चाहिए। बात को समझो, लेसी को राइट्स मिल रहे हैं एक लिमिटेड पीरियड के लिए, वो राइट्स को असेट बना रहा है, एक तरीके से इनटेंजिबल की टाइप की हो रही है, पर लेसर बोल रहा है कि यार मैंने तो उसको लिमिटेड पीरियड के लिए राइट दिए हैं, तो बाकी के राइट्स तो मेरे पास खुद ही अभी पड़े हैं, तो मैं क्यों असेट को सेल दिखाऊं हमेशा, मैं तो अपनी बुक्स में एज असेट दिखाऊंगा ही दिखाऊंगा, ठीक है ना, या तो फिर मैं ऐसा करूं कि पहले मैं सेल दिखाऊं फिर मैं वापस से परचेज दिखाऊं, बात समझ में आ रही कि नहीं, वो तो फिर रीपर्चेज एग्रीमेंट हो जाएगा, याद करो रीपर्चेज एग्रीमेंट हमने इंडेस 115 में पढ़ा हुआ है। तो इन शॉर्ट लेसर के लिए कॉम्प्लिकेट अकाउंटिंग हो सकती थी अगर हम लेसी के अकॉर्डिंग उसको दिखाते तो इट वुड बी बेटर कि उसकी अकाउंटिंग वही सिंपल रखी जाए कि हम उसको एज अ असेट अपनी बुक्स में दिखाते रहेंगे अगर वो ऑपरेटिंग लीज मानेगा तो। बस अपने को डिफाइन करना है कि ऑपरेटिंग कब होगी फाइनेंस कब होगी, उसके लिए इंड एस ने कुछ सिचुएशन दिए हैं, पांच इंडिकेटर्स हैं, अगर पांच में से कोई भी एक इंडिकेटर अप्लाई हो जाता है, पांच में से कोई भी अगर एक इंडिकेटर अप्लाई हो जाता है तो आप मानोगे कि वो फाइनेंस लीज है, आपको फाइनेंस लीज मानना पड़ेगा पांच में से कोई भी एक इंडिकेटर। पहला एक एक करके पढ़ना शुरू करती है, सबसे पहले मैम पढ़िए पहला वाला, अगर कॉन्ट्रैक्ट में ही लिखा गया है, एग्रीमेंट में लिखा गया है कि एट द एंड ऑफ लीज टर्म आपको ओनरशिप ट्रांसफर कर दी जाएगी, आप ध्यान से देखेंगे अगर ये रियल लाइफ केस ही है, बड़े बड़े बिल्डर लोग अब ऐसे ही कर रहे हैं क्योंकि उनका बिजनेस अब चल नहीं रहा है, दिक्कत हो रही है, पूरा रियल एस्टेट मार्केट गिर रहा है, बीच में अभी आने पिछले दो तीन साल से यही चल रहा था, अब उनको फंड्स नहीं है, पैसे नहीं है, क्या करें, नए प्रोजेक्ट बीच में पड़े हुए हैं, उनके फ्लैट्स बिक नहीं रहे, तो बीच में ऐसी ऐसी इनकी स्कीम्स आने लगी थी कि भाई कोई खरीदने को तैयार नहीं क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है, तो वो लोग क्या करते थे, वो लोग बोलते थे एक काम करो भाई साहब, एक काम करो अभी ना हमसे किराए पर ले लो, अभी हमसे तो हमें तुम ना पैसे मत दो, तुम एक काम करो तुम हमें ना 10 साल में पैसे देना, थोड़ा थोड़ा करके बस अभी ना ओनरशिप हम तुम्हारे पेपर तुम्हारे नाम पे नहीं बनाएंगे, पेपर कब बनाएंगे तुम्हारे नाम पे, पेपर बनाएंगे हम 10वें साल के बाद, 10 साल के बाद ये असेट तुम्हारी हो जाएगी और 10 साल में हम इतना पैसा तुमसे वसूल कर लेंगे तुम आराम आराम से पे कर दोगे, आ रही बड़ी बात समझ में कि नहीं, इसको हम शॉर्ट में हायर परचेज भी बोलते हैं अगर तुम्हें ध्यान हो तो, क्या बोलते हैं अपन इसको, हायर परचेज एग्रीमेंट। तो अगर हायर परचेज एग्रीमेंट है मतलब जहां पर एट द एंड ऑफ लीज टर्म ओनरशिप ट्रांसफर हो जाए उस एग्रीमेंट को हायर परचेज ही बोलते हैं, तो ऐसे केस में वो डेफिनेटली फाइनेंस लीज ही होगा। क्यों फाइनेंस लीज होगा, क्योंकि ड्यूरिंग द लीज टर्म रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास थे, लेसी के पास, एंड आफ्टर द लीज टर्म रिस्क एंड रिवॉर्ड अगेन किसके पास चले जाएंगे, लेसी के पास, तो मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास चले गए, लेसी के पास, तो ये कौन सी हो गई फाइनेंस लीज। आई बड़ी बात समझ में, सेकंड पे आते हैं, ये सारे वही घिसे पिटे पॉइंट्स हैं जो AS 19 के थे आपके IPCC के डेज के थे, ठीक है। सेकंड द लेसी हैज द ऑप्शन, ये वही आ गया, लेसी के पास ऑप्शन था ना, अभी अपन पढ़ के आए लेसी के पास परचेज ऑप्शन होता है और रीजनेबली सर्टन होता है कि वो परचेज करेगा तो वो लीज पेमेंट में जोड़ता है वो, तो यहां पर भी तो वही है कि द लेसी हैज द ऑप्शन टू परचेज द असेट एट अ प्राइस दैट इज एक्सपेक्टेड टू बी सफिशिएंटली लोअर देन द फेयर वैल्यू एट द डेट ऑफ ऑप्शन एक्सरसाइजेबिलिटी, इट इज रीजनेबली सर्टेन एट द इंसेप्शन ऑफ द लीज दैट द ऑप्शन विल बी एक्सरसाइज। लेसर ने लेसी को ऑप्शन दे दिया कि अब मैंडेटरी देखो खरीदना नहीं है, मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि 10 साल बाद यह बिल्डिंग तू खरीद सकता है, और पता है किस प्राइस पे ऑप्शन दिया है, इतना लोअर प्राइस पे ऑप्शन दिया है कि 10 साल बाद जो भी मार्केट में वैल्यू होगी बिल्डिंग की उससे बहुत ही लोएस्ट प्राइस पर मैं तेरे को ऑप्शन दे रहा हूं, और यह सर्टेनिटी है कि लेसर इस ऑप्शन को मना नहीं करेगा, तो भी हम इसको क्या मानेंगे, फाइनेंस लीज मान लेंगे। दो बातें समझ में आएगी, नहीं क्यों फाइनेंस लीज मानेंगे, सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ड्यूरिंग द लीज टर्म उसके पास, और ये ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेगा ऐसा लगता है, तो अगर कर लेगा तो वो खरीद लेगा, तो भी रिस्क एंड रिवॉर्ड किसके पास चले जाएंगे, सामने वाले के पास, लेसी के पास, तो ये फाइनेंस लीज मानी जाएगी क्योंकि मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो रहे हैं, ठीक है बेटा। तीसरा गौरव पढ़ो, ये तो घिसा बेटा सबको पता है, मैक्सिमम माई फाइनेंस लीज में सबसे पहले हम बोलते यही है कि सर मेजर लाइफ कवर हो जाए, जब इकोनॉमिक लाइफ, जब लीज टर्म आपका मेजर लाइफ कवर कर दे तो आपका वो क्या माना जाएगा, फाइनेंस लीज, इवन दो आपकी ओनरशिप ट्रांसफर नहीं भी हो रही है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया कि 37 ईयर्स के लिए मैं लीज पे दे रहा हूं, 3 साल बाद वापस ले लूंगा, 3 साल के लिए वापस ले लूंगा, आउट ऑफ 40 37 ईयर्स के लिए दे रहा हूं, तो मतलब ये क्या होगा, मैक्सिमम फाइनेंस लीज। फोर्थ नंबर पॉइंट छोड़ दो, फिफ्थ नंबर पॉइंट पढ़ो परेश,
ओनली द लेसी कैन यूज देम विदाउट मेकिंग मेजर मॉडिफिकेशन. ली जो असेट है ना वो लेसी के स्पेसिफिकेशंस के अकॉर्डिंग बनाई गई है. सिर्फ लेसी ही उसको यूज कर सकता है और कोई यूज नहीं कर सकता है. ऐसा क्यों? पहले एग्जाम्पल पे चलते हैं. मॉडिफाइड व्हीकल्स, मॉडिफाइड कार्स, मॉडिफाइड इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, लैपटॉप, कंप्यूटर सिस्टम, ठीक है ना. एक आम लैपटॉप नहीं. मान लीजिए मैं अपनी रिकॉर्डिंग के लिए मैंने स्पेसिफिकली मुंबई की एक कंपनी से एक मैंने लैपटॉप बनवाया. कम से कम वो लैपटॉप आया 7 लाख रुपीज का, जिससे मैं अपनी क्लासेस रिकॉर्ड करूंगा. पूरा इक्विपमेंट है उसके, इक्विपमेंट के साथ मुझे मिला ना. वो मेरे कस्टमाइज करके मुझे दिया गया. मुझे लैपटॉप मेरे स्पेसिफिकेशन के अकॉर्डिंग ही दिया गया. तो सामने वाले ने कितना खर्चा किया मुझसे, कितने का है वो 7 लाख रुपए का इक्विपमेंट है. वो मुझे लीज पर दिया गया, मतलब वो मुझसे किराया लेगा इसका. तो एक बार बताओ, सामने वाला मुझसे जो किराया लेगा वो कितना किराया वसूल करना चाहेगा? ऑब्वियसली पूरा का पूरा, ताकि उसकी कॉस्ट रिकवर हो जाए, इंक्लूडिंग उसका प्रॉफिट रिकवर हो जाए. अब वो क्या ये एक्सपेक्ट करेगा कि चलो मैं इसको ना एक आध साल के लिए दे देता हूं, एक साल बाद ये मुझे भले वापस भी कर दे, क्या ये वो एक्सपेक्ट करेगा? क्या सामने वाला जो दे रहा है वो ये मान के चलेगा भैया मुझे तो पूरी कॉस्ट किससे रिकवर करनी है? सिंगल लेसी से रिकवर करनी है, बिकॉज दिस असेट कैन नॉट बी यूज्ड बाय एनी अदर पार्टी विदाउट मेकिंग मेजर मॉडिफिकेशंस. दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं. मैंने आपसे, आप गाड़ियां बेचते हो, आप मारुति सुजुकी की कंपनी हो, शोरूम है आपके पास, आप गाड़ियां बेचते हो. मैंने आपसे स्पेसिफिक व्हीकल्स लिए और मैंने बोला कि मेरा एक हॉस्पिटल चलता है, हॉस्पिटल रन होता है, मुझे हॉस्पिटल के लिए एम्बुलेंस चाहिए, मुझे एम्बुलेंस के अकॉर्डिंग मुझे अंदर का स्ट्रक्चर बना के दे दो पूरा. तो मुझे आपने 20 गाड़ियां सप्लाई की एज पर माई हॉस्पिटल रिक्वायरमेंट. तो 20 गाड़ियां सप्लाई की तो आप पूरी की पूरी कॉस्ट किससे वसूल करोगे? मुझसे, एज अ लेसी से. क्या आप ये बोलोगे कि चल यार ये वो 2 साल भी यूज कर लेगा तो बाद में हम किसी और को दे देंगे? जरूरी थोड़ी कि कोई और आपकी असेट ले लेगा विदाउट मेकिंग मेजर मॉडिफिकेशन. तो ऐसे केस में क्या होता है, जब भी स्पेशलाइज नेचर ऑफ असेट होती है तो जनरली कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, और क्योंकि कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है तो लेसर का इंटेंशन होता है कि वो कॉस्ट किससे रिकवर करे? ऑब्वियसली लेसी से रिकवर करे. अब जब कॉस्ट मुझे लेसी से रिकवर करनी है तो लेसी से रिकवर करने के लिए मेरे पास 2 तरीके हैं. या तो मैं इकट्ठी कॉस्ट रिकवर कर लूं. अब जब इकट्ठी कॉस्ट रिकवर कर ही रहा हूं तो लेसी मुझसे लीज पे क्यों लेगा? वो तो खरीद ही लेगा. ऑब्वियसली लेसी मुझे पूरा पेमेंट नहीं कर सकता है टाइम, तो इसलिए वो समय लेगा पेमेंट करने के लिए. वो मैक्सिमम समय लेगा पेमेंट करने के लिए, क्योंकि वो खर्चा बहुत बड़ा है. और अगर वो मैक्सिमम समय लेगा तो कहीं ना कहीं मैक्सिमम लीज टर्म कवर हो गया उसकी इकोनॉमिक लाइफ में. तो ये अंदाजा माना जाता है कि क्योंकि असेट स्पेशलाइज नेचर की है तो कॉस्ट उसकी बहुत ज्यादा होगी. कॉस्ट ज्यादा होगी तो लेसी वो कॉस्ट इमीडिएटली तो पे नहीं कर सकता, तभी तो वो लीज पे ले रहा है. अगर इमीडिएटली पे कर सकता होता तो वो परचेज कर लेता. तो वो टाइम तो जरूर लेगा पे करने के लिए. अगर वो अच्छा खासा टाइम लेगा पे करने के लिए तो ऐसे केस में ये तो मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किसको ट्रांसफर हो सकते हैं? लेसी को. समझ आई बात की नहीं? तो ये स्पेशलाइज नेचर के केस में जनरली फाइनेंस लीज मानी जाती है. मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अब बचा आखिरी पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस लीज फाइनेंस लीज का इंडिकेटर. क्या है वो पॉइंट? पढ़िए सब लोग. एट द इंसेप्शन. इंसेप्शन दो वर्ड पढ़े थे हमने, इंसेप्शन और कमेंसमेंट. याद आ रहा कि नहीं? कब चेक करना है आपको? इंसेप्शन पे चेक करना है. हाँ, क्या चेक करना है? द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज पेमेंट्स अमाउंट्स टू एटलीस्ट सब्सटेंशियली ऑल ऑफ द फेयर वैल्यू ऑफ द लीज्ड असेट. मतलब क्या? अरे भाई, लीज पेमेंट हमने अभी डिफाइन किया था. क्या होता है लीज पेमेंट में? फिक्स पेमेंट्स, इन सब्सटेंस, माइनस इंसेंटिव्स, प्लस पेनल्टीज, जीआरवी, ये सब. इन सब का प्रेजेंट वैल्यू किसको कवर कर दे? असेट की फेयर वैल्यू को कवर कर दे. अगर असेट की फेयर वैल्यू को कवर कर लेता है, मतलब पूरा का पूरा वसूल कर दिया मैंने तेरे से, एक तरीके से मैंने तेरे से पूरा वसूल कर दिया, तो मैंने तेरे को सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड्स भी तो पूरे दे दिए होंगे. सो इफ द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटायर लीज पेमेंट इज इक्वल टू फेयर वैल्यू और कवर्स द फेयर वैल्यू सब्सटेंशियली. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय सब्सटेंशियली कवर्स? फेयर वैल्यू 10 लाख है, प्रेजेंट वैल्यू हो रही है 9,90,000. माना जाएगा कि नहीं? जनरली मोर देन 90%. जनरली मोर देन क्या? 90% इज ट्रीटेड एज सब्सटेंशियली कवर्ड. गाइज, अंडरस्टूड और नॉट? 10 मी, क्लियर? किसको? हमने बोला कि मैक्सिमम कवर कर ले, प्रॉफिट कम होगा,
नुकसान थोड़ी होगा, प्रॉफिट कम होगा, क्योंकि वो कॉस्ट तो पूरी रिकवर कर रहा है प्लस एडिशन इंटरेस्ट, इंटरेस्ट बीच का पोर्शन होता है ना, तो इसको प्रॉफिट कम मिलेगा, लो मार्जिन पे उसने रिकवर किया। ठीक है बेटा, याद है क्लियर? अब कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं, की कॉन्सेप्ट्स फॉर अंडरस्टैंडिंग लेसर्स अकाउंटिंग। गाइस सुनो ध्यान से, अभी तक इसको कॉन्सेप्ट को बाद में समझ लेंगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। मुझे बताओ लीज पेमेंट क्या होते हैं? फिक्स्ड प्लस इन सब्सटेंस, कुछ याद है? हाँ, प्लस वेरिएबल बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट, लेस इंसेंटिव्स। अच्छा, हम यहां पर लीज पेमेंट अब क्या बोल रहे हैं? जब हम लेसी का पढ़ रहे थे तो लीज पेमेंट टू बी पेड, अब ये टू बी रिसीव्ड, अब क्या होगा? टू बी रिसीव्ड, जो उनसे इंसेंटिव दिया वो माइनस कर रहे हैं, और क्या? प्लस जीआरवी, क्योंकि लेसी से गारंटीड है, प्लस क्या? परचेज प्राइस ऑप्शन, मुझे मिलेगा ना पैसा, प्लस पेनल्टी अगर वो टर्मिनेट कर सकता है तो। बेटा ये होता है लीज पेमेंट। आई मेरी बात समझ में कि नहीं बच्चों? अगर लीज पेमेंट में मैं यूजीआरवी जोड़ दूं, क्या जोड़ दूं, तो ये बन जाता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। इसको नाम क्या बोलेंगे? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, मतलब हाउ मच अमाउंट द लेसर इज एक्सपेक्टिंग टू रियलाइज फ्रॉम द इंटायर असेट फॉर दिस पीरियड। लेसर इज एक्सपेक्टिंग टू गेट लीज पेमेंट फ्रॉम लेसी ओनली एंड ही इज एक्सपेक्टिंग टू गेट एक्स्ट्रा यूजीआरवी। मे बी आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम लेसी ही वो यूजीआरवी की गारंटी दे दे, क्योंकि यूजीआर जीआरवी चेंज होता रहता है, हमने देखा था। आगे हो सकता है वो जीआरवी बदलते, मतलब मेरे को लगता है कि मेरे को और एडिशनली मिल सकता है। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? अगर तुम लीज पेमेंट में यूजीआरवी को जोड़ दोगे तो वो क्या बन जाएगा? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अभी तक मैंने इसका प्रेजेंट वैल्यू किया है क्या? नहीं, अभी भी ये फ्यूचर वैल्यूज ही है, अभी ये फ्यूचर वैल्यूज ही ना भाई। फिक्स पेमेंट तो हर साल के होंगे ना, जीआरवी तो एंड का होगा ना, पेनल्टी तो एंड का होगा ना, परचेस प्राइस तो एंड का होगा ना। अभी तक मैंने इनका प्रेजेंट वैल्यू किया है क्या? यूजीआरवी तो एंड का होगा ना, अभी मैंने इसका प्रेजेंट वैल्यू नहीं किया है। अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल कर दूं, ये जीआईएल मतलब इसमें यूजीआरवी भी शामिल कर दिया, तो बताओ कौन से रेट पे करना पड़ेगा? डिस्काउंटिंग रेट क्या लूंगा? अब मैं इंक्रीमेंटल बोरिंग रेट नहीं ले सकता क्योंकि मैं लेसी नहीं हूं। अब मुझे हमेशा डिस्काउंटिंग किस पे करनी पड़ेगी? आईआरआर पे। अरे बोलना यार, वैसे भी आईआरआर का फॉर्मूला क्या, आईआरआर का मीनिंग क्या था? द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी, याद करो वो लिखा हुआ है उसमें, प्लस यूजीआरवी शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू। और ये भी तो वही बोल रहा है, शुड बी इक्वल टू फेयर वैल्यू यहां पर। हाँ, तो आप यहां पर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल किस रेट पर करोगे? आईआरआई पे, इम्प्लिसिट रेट ऑफ इंटरेस्ट पे। अरे समझोगे नहीं तो वो क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। क्या आ जाएगा? नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, NIL, निल। किसकी प्रेजेंट वैल्यू की आपने? GIL की। GIL की प्रेजेंट वैल्यू की तो आपका नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आ जाएगा। आई मेरी बात समझ में कि नहीं? अरे इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं? हाँ, वहां पे ऐसे नाम क्यों नहीं दिए हमने? जरूरत क्या थी ऐसे नाम देने की, मुझे ये बताइए। सब्सटेंशियल रिस्क है, हाँ तो भी हम आरओयू दिखाएंगे ना, तो भी तो हम आरओयू दिखाएंगे ना भाई, क्योंकि हमारे पास पूरे लाइफ टाइम के राइट्स आ गए। जब पूरे टाइम के राइट्स आ गए तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा? हम तो राइट्स ही दिखा रहे ना, राइट्स को हटा के असेट एक्वायर कर लेंगे।
आप बोल रहे ऐसे नाम, क्योंकि नाम तो ऐसे होने भी नहीं चाहिए वहां, क्योंकि वहां तो यूजीआरपी का कोई केस ही नहीं था। नाम तो वही है ना भाई, लीज पेमेंट तो वहां पे भी था यहां पर भी है, बस यहां पर यूजीआरपी जोड़ रहे हैं तो उसको जा रहा है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज। अब ग्रॉस का जब मैं प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहा हूं तो वो जा रहा है नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज। दो ही तो नाम एक्स्ट्रा है क्या, जीआईएल और एनआईएल। व्हाई जीआईएल? बिकॉज यू आर एडिंग द यूजीआरवी इन दिस, इन द लीज पेमेंट। नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज, नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज का मतलब ओवरऑल इस लीज टर्म में मुझे कितना पैसा मिल सकता है, इन्वेस्टमेंट के बेसिस पर मैं देख रहा हूं अरेंजमेंट। हाँ, मुझे कितना पैसा मिल सकता है। मैं समझ गया कि वाई दे आर यूजिंग द वर्ड इन्वेस्टमेंट इन लीज। इन्वेस्टमेंट डिनोट्स द टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन दैट अरेंजमेंट, टोटल अमाउंट ऑफ फंड्स ब्लॉक्ड इन दैट अरेंजमेंट। लेसर का कितना अमाउंट ब्लॉक है जिसको वो रिकवर करना चाहता है, तो वो उस तरीके से उसको इन्वेस्ट मान रहा है कि मैंने एक तरीके से इन्वेस्ट कर दिया और मुझे वो कितना पैसा मिलना चाहिए, वो चीज है। ठीक है एनआईएल, ठीक है। अरे मतलब वर्ड्स पे ना जाए तो यार पॉइंट्स क्लियर है कि नहीं? ठीक है, अच्छा करना क्या है, कितने कितने पॉइंट्स हमने डिस्कस कर लिए। लीज पेमेंट तो पहले से डिस्कस था, लीज पेमेंट ने क्या ऐड किया, यूजीआरवी। क्या मिला? जीआईएल। जीआईएल अभी प्रेजेंट वैल्यू पे नहीं है, तो आपने प्रेजेंट वैल्यू किया तो क्या हो गया, नेट इन्वेस्टमेंट लीज। अब ये नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज आपको कहां काम आएगा? काम आएगा फाइनेंस लीज में, ऑपरेटिंग लीज में काम क्यों काम नहीं आएगा? वो तो वहां पर पीएनएल में बुक करने वाला है, ये आपको जीआईएल एनआईएल सिर्फ किस में काम आएगा, फाइनेंस लीज में। ठीक है, एक बार ये की कॉन्सेप्ट्स प्लीज एक बार पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिए, प्लीज रीड दैट की कॉन्सेप्ट्स पूरे, और उसके बाद ये इनिशियल रिकग्निशन भी एक बार पढ़ लीजिएगा। हम क्या पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं फाइनेंस लीज, याद रखिएगा। ये सामने हमने फाइनेंस लीज पढ़ना शुरू कर दिया है, हमने फाइनेंस लीज पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, फाइनेंस लीज चल रहा है अपना, ऑपरेटिंग लीज नहीं चल रहा है, क्या चल रहा है, फाइनेंस लीज। तो पढ़ना शुरू करिए की कॉन्सेप्ट्स और उसके बाद इनिशियल रिकॉग्निशन। मुझे बताइए इनिशियल रिकॉग्निशन क्या 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 बोल रहा है वो। करना पड़ेगा ना भाई, उसको कितना पैसा मिलेगा, कितना पैसा मिलेगा और कितना उसकी जेब से गया, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट।
कितनी सिर्फ जेब से क्या, पर सुनिए दो मिनट सुनिए, अब इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट के बारे में मुझे एक पॉइंट याद आ गई। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर्ड बाय लेसर, अगर लेसर इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट इनकर करता है तो आपको पहले यह चेक करना पड़ेगा कि लेसर कौन से टाइप का है, क्या वो डीलर लेसर है या मैन्युफैक्चरर है। मैन्युफैक्चरर लेसर है मतलब जिसका धंधा ही है कि असेट बनाओ लीज पर दो, असेट बनाओ लीज पर दो, जिसका काम ही वही है। तो ऐसे केस में अगर वो आईडीसी करता है इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट तो उसका वो नॉर्मली डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, तो वो उसको अपने डायरेक्टली पीएनएल में चार्ज करेगा वैसे भी, तो वो नॉट अ पार्ट ऑफ एनआईएल। पर अगर वो नॉन डीलर है, नॉन मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरर है, मतलब ये कि उसका धंधा कुछ और है पर हमने इस बार एक असेट लीज पर दे दी, फाइनेंस लीज पर दे दी और हम इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट बियर कर रहे हैं, तो ऐसे केस में इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को आप किस में एडजस्ट करोगे, लीज पेमेंट में एडजस्ट करोगे। कहने का मतलब आप रेट जो निकालोगे ना आईआरआर, आप रेट ही ऐसा निकालोगे जिसमें इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को भी कंसिडर किया जाए। आपका जो आईआरआर निकलेगा ना, आईआरआर ही आपका कैसा निकलेगा जिससे आपका इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट ही कंसिडर हो जाए। आईआरआर क्या होता है, द रेट एट विच प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल द लीज पेमेंट्स मस्ट बी इक्वल टू फेयर वैल्यू, तो ऑल द लीज पेमेंट्स माइनस आईडीसी। हाँ 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 वो आईडीसी का पार्ट बन जाएगा ना मैम इसके लिए, तो क्योंकि वो उसको रीइंबर्समेंट कर रहा है तो इसके लिए तो आईडीसी हो गई, इंसेंटिव अगर पे कर रहा है तो आईडीसी हो गया ना, वो तो लेसी को लेसर इंसेंटिव पे कर रहा है किस चीज के, रीइंबर्समेंट कर रहा है तो लेसर के लिए तो वो आईडीसी हो गया ना, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट। ठीक है हाँ 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 कहां पर बोल रहे हो, आयरा जहां डिफाइन किया था अपन ने पार्ट टू में, एक सेकेंड कौन सा वाला बोल रहे हो, फोर सही तो है यार, या तो मैं इसमें प्लस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट करूं या तो यहां से मैं माइनस इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट करूं, इट इज वन इन द सेम थिंग ना। इट इज वन इन द सेम थिंग, मैं फेयर वैल्यू में प्लस कर रहा हूं या फिर मैं इसमें माइनस कर रहा हूं, इट इज वन इन द सेम थिंग ना, मैथमेटिकली तो वही निकलेगा ना। नहीं आया समझ में, हाँ वो इंक्लूड, पर मैंने फॉर्मूला बदल दिया ना, वैसे ग्रॉस इन्वेस्टमेंट सॉरी नेट इन्वेस्टमेंट इन लीज क्या होता है, इट इज द ग्रॉस इन्वेस्टमेंट इन लीज डिस्काउंटेड एट इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज, मतलब पीवी ऑफ जीआईएल। नाउ व्हेन आई से एनआईएल तो पीवी ऑफ GIL, lease payment and UGRV. हाँ एक्चुअली वो गड़बड़ हो गई है, दिस शुड बी लाइक दिस, दिस इज योर GIL बेसिकली, ऐसा है ठीक है। और परे जो तुम पूछ रहे थे कि सर ऊपर तो उन्होंने IDC फेयर वैल्यू में प्लस किया है और इधर आप बोल रहे हो आईडीसी इधर माइनस करेंगे, समझ गया कि नहीं। हाँ वन सेकेंड ऐसे कैसे, अब लुको ये सामने देखो, लीज टर्म 5 साल, फेयर वैल्यू 10 लाख, आईडीसी इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 50,000, एनुअल लीज पेमेंट
एनुअल लीज पेमेंट 280, कैलकुलेट आईआरआर कैसे निकालोगे, आईआरआर कैसे निकालोगे? अच्छा चलो यूजीआरवी भी दे देता हूं, चलो यूजीआरवी ले लो, यूजीआरवी इज 150। अब बताओ आईआरआर कैसे निकालोगे, जब बात खोली है तो फिर अपन पूरा प्रूव ही कर लें। आईआरआर कैसे निकालेंगे? क्या नहीं करके दो मुझे, ऐसे थोड़ी करेक्ट है, करके दो, जब बात निकली है तो दिल्ली तक जाए। आप क्या करोगे, वन ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, हर साल कितना कितना, 280, 280, 280, 280, और ये 280 प्लस 150, और 0 ईयर पर क्या लोगे, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट 50, पर ये नेगेटिव है, माइनस में है ना, ये कौन सा रेट लोगे, 10%, सबका फेवरेट। लो क्या होगा, ये हो रहा है, अगर मैं इस 50 को भी शामिल कर लूं माइनस में तो ये हो रहा है एग्जैक्ट 11,04,560 मान लो, अगर मैं इन सबको ले लूं तो, मैंने माइनस किया ना क्योंकि इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट मेरे ऐसे जाएगा, अरे लेसर के लिए आउटफ्लो है ना और ये सब इनफ्लो है, इनफ्लो 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 इनफ्लो, अच्छा 11 पे क्या करेंगे, अच्छा टेन लैख 73,000 11% पे, टेन लैख 73,870 मान लो, चलो आप इंटरपोलेशन करके देखते हैं, मैं 10 को बेस मान रहा हूं, मैं 10 को बेस रेट मान रहा हूं, 10% तो होगा ही होगा, इंक्रीज इन परसेंटेज 1, डिक्रीज इन रुपीस, डिक्रीज कितना हो गया, डिक्रीज कितना हो गया, 30,690, बोलो मुझे कितना डिक्रीज चाहिए, मुझे कितना, मेरी फेयर वैल्यू है ना, फेयर वैल्यू, फेयर वैल्यू के बराबर चाहिए ना, 10 लाख, मेरे को फेयर वैल्यू है 10 लाख, ठीक है, तो मेरे को 11 लाख से 10 लाख पे जाना है, 11,04,560 माइनस 10 लाख, तो ये हो जाएगा 104,560, कितना करना पड़ेगा, 3.41, रेट कितना हो गया, 13.41, गड़बड़ हो गया, नहीं थर्टीन पॉइंट फोर वन के हिसाब से निकाल के देखो, लगभग वही आएगा, 10 लाख आएगा, उतना ही आएगा,
तुम 11 लाख पकड़ रहे थे भाई, बेस मेरा 10 लाख है, मुझे 10 लाख के बराबर करनी है, समझ आएगी नहीं? अब जो मैंने फॉर्मूला लिखा है उसमें चेंज करूं, देखो मैंने आईडीसी को किसमें लेस किया, लीज पेमेंट के साथ लेस कर दिया, सो इधर आई शुड लेस इट और आई शुड एड दिस हेयर टू मेक इट 1050, ये भी तो हो सकता है। सो इधर मैंने 50,000 लेस कर दिया, तो कहीं ना कहीं यहां पर वैल्यू ऐसी हो रही है, या मैं 50,000 लेस नहीं कर रहा हूं, मैं फेयर वैल्यू में ऐड कर रहा हूं, तो अब मेरी फेयर वैल्यू कितनी हो गई, 10,50,000। अब मुझे किसके बराबर रखना है, 10,50,000 के बराबर रखना है। इन सब की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है, 11 नहीं आ रही, अब थोड़ी सी बदल जाएगी ये सब, तो भी आपका 13.41 ही आएगा। मेरा कहने का मतलब है भाई 280 डिवाइड बाय 10%, 1, 2, 3, 4, 5 और 1.50, क्या आप अगर इन सब की प्रेजेंट वैल्यू 13.41 से निकालोगे ना, तो 10,50,000 आएगा के आसपास आएगा। हाँ, तो इधर आई शुड एड द आईडीसी एट इन फेयर वैल्यू और आई शुड डिडक्ट द आईडीसी फ्रॉम लीज पेमेंट, इट इज वन इन द सेम थिंग ना। सीए फाइनल वाला बच्चा इतने तो समझ जाएगा, मेरे को मेहनत करनी पड़ती है आईपीसी वाले बच्चों में ये समझाने के लिए, उनको 4 दिन लग जाते हैं ये चीज समझाने में, सर ये होगा किससे क्या हो रहा है, पर फाइनल वाला बच्चा तो समझ जाएगा यार, इतना तो फैक्ट है कि या तो मैं आईडीसी को इसमें ऐड करूं या तो आईडीसी को मैं इसमें लेस करूं। तो तुमने जो मुझे अभी क्वेश्चन किया कि सर ऊपर फेयर वैल्यू में ऐड किया हुआ है, मैंने बोला कोई बात नहीं, इधर मैंने फेयर वैल्यू में थोड़ी ऐड किया, मैंने प्रेजेंट वैल्यू में लेस कर दिया। अब मैं वापस मुद्दे पे आ रहा हूं, इस वाले मुद्दे पे, आईडीसी इनकर्ड बाय लेसर, कौन सा वाला लेसर? अगर डीलर लेसर है, मैन्युफैक्चरर लेसर है, तो भाई साहब इस आईडीसी को कंसीडर मत करना आईआरआर निकालने के लिए, आईआरआर निकालने के लिए कंसीडर मत करना, मतलब तुम इस टेबल में मत लेना, मतलब तुम इसमें ना टेबल में इधर कहीं माइनस करना ना तुम फेयर वैल्यू में जोड़ना, कुछ मत करना, ये तुम्हारा डायरेक्टली आईडीसी कहां जाएगा, पीएनएल, मतलब तू लिख ले कि डू नॉट कंसीडर दिस आईआरआर, दिस आईडीसी फॉर आईआरआर कैलकुलेशन। बट यहां पर नॉन डीलर जो होगा, कंसीडर आईडीसी फॉर आईआरआर कैलकुलेशन, वो आईआरआर कैलकुलेशन के लिए कंसीडर करेगा। अब कैसे कंसीडर करेगा, उसके पास दो ऑप्शन है, इधर बोलना, इधर एड इन फेयर वैल्यू, एड इन फेयर वैल्यू यस, और डिडक्ट फ्रॉम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, दो बातें हो गई आईडीसी के रिस्पेक्ट में, समझ में आई बात की नहीं? अब आप जो मुझसे पूछ रहे थे कि इंसेंटिव इधर क्यों नहीं दिया, तो इंसेंटिव हेयर फॉर लेसर मींस एज गुड एज आईडीसी, समझे कि नहीं? यहां तक क्लियर हुआ? हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंस लीज, ये बोल रहा है इंडेक्स 116 हम क्या पढ़ रहे हैं, फाइनेंस लीज फॉर द बुक्स ऑफ लेसर, व्हाट लेसर विल डू अंडर फाइनेंस लीज, इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा, फाइनेंस लीज का इनिशियल रिकॉग्निशन कैसे होगा, बुक में सब लिखा हुआ है इसलिए मैं रफ में लिख रहा हूं सिर्फ, इनिशियली क्या रिकॉर्ड करेगा, lesser will record the net investment lease and lesser will de-recognize the asset, क्या record करेगा, recognize क्या, NIL, किस नाम पे, yes very good, lease receivable, क्या मैं बोल सकता हूं कि NIL जो होता है, क्या जरूरी है क्या ये वाला NIL और lessee वाला lease liability, क्या जरूरी है क्या lease receivable lesser का और lease liability lessee का सेम हो,
दो कारण हो सकते हैं कि सेम नहीं होगा, जनरली सेम नहीं होगा. एक तो यहां यूजीआरबी आता है, वहां यूजीआरबी नहीं आता है. वहां इंक्रीमेंटल बोरोइंग रेट लिया जा सकता है, यहां तो सिर्फ आईआरआर लेगा. मतलब दोनों की डिस्काउंटिंग रेट भी अलग अलग हो सकते हैं. हाँ बनाइए ना, मैं वही वेट कर रहा हूं. मैं वेट कर रहा हूं. मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा था कि सर ऐसे तो अलग अलग चल रही, चलने दो ना, दिक्कत क्या है. वही उसके हिसाब से उसके राइट्स हैं, उसके हिसाब से उसके नेट इन्वेस्टमेंट है, उसको पैसा कितना ब्लॉक है, उसको तो रिकवर करना है. कौन सा है SF505? एक्सटर्नल कंफर्मेशन. तभी भी नहीं दिक्कत होगी, तभी भी. क्या लेसर और लेसी अलग से एक रजिस्टर में एक दूसरे का क्या एक्सेल शीट पे नहीं बना सकते क्या, एक दूसरे का रिकॉर्ड मेमोरेंडम? और क्या ये जरूरी है क्या? मतलब क्या एक दूसरे का एक्सटर्नल कंफर्मेशन के लिए डेटर क्रिएटर मैच होना चाहिए? वो तो बिल्कुल लगेगा, रिकंसिलेशन डेफिनेटली लगेगा. हाँ हाँ डेफिनेटली आयर उससे पता चलेगा, डेफिनेटली. तो रिकंसिलेशन तो होंगे, अगर लेसी की बुक्स में कुछ और दिख रहा है, लेसर की बुक्स में कुछ और दिख रहा है, तो रिकंसिलेशन आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड. एंड एज फार एज द पेमेंट्स आर जस्ट कंसर्न कि यार तेरे को मैंने कितना दिया, तूने मुझसे कितना लिया, पेमेंट्स का लेजर तो दिखाई देंगे ना हम, तो पेमेंट्स और सिचुएशन आ जाएगी ना भाई. तेरा डेबिट्स और मेरा क्रेडिट्स तो दिख ही जाएगा ना कम से कम. ऑडिटर की ड्यूटी रिकंसिलेशन चेक करने की बढ़ गई, बनाने की नहीं बढ़ गई, चेक करने की बढ़ गई. हाँ तो बढ़ गई तो उसकी फीस भी तो बढ़ गई. आप ड्यूटी बढ़ा रहे हो, मैं इधर फीस बढ़ा रहा हूँ. सिंपल भाई, मेरा काम बढ़ेगा मैं फीस बढ़ाऊंगा, सिंपल सा रूल है चार्टर्ड अकाउंटेंट का. देखो जो व्यक्ति ये सोचे कि ड्यूटी बढ़ गई पर ये ना सोचे कि फीस बढ़ गई, मतलब वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज कर रहा है. उसको उसका क्लाइंट पैसा नहीं देगा. नहीं तो वो तो कर हर अच्छा ये भी नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हर ऑडिटर से कि हर ऑडिटर को इस टाइप का, हर का अपना अपना एरिया ऑफ ऑडिटर होगा उसका होगा. वो तो अपने पार्टनर को बुलाएगा, भाई तू जाके चेक कर ले. यही तो होता है ना भाई, मेरा एरिया ऑफ ऑडिट नहीं है वो, तो मैं अपने दूसरे से चेक करवा लूंगा. हाँ अपने टेलीग्राम ग्रुप पे कोई व्यक्ति शायद मांग रहा था कि मुझे इंडेस 116 का सिर्फ ट्रांजिशन के नोट्स चाहिए. हाँ? है ना, इसमें अवेलेबल है और अपन पढ़ने भी वाले हैं. पर मैंने कुछ कमेंट नहीं किया, मैंने कहा मैं क्या कमेंट करूं, जब मैं नोट्स दे चुका हूं तो इंसान को देखना चाहिए, नोट्स में सबसे आखिरी में दिया हुआ है भाई. और जब वीडियो डालूंगा तो आ ही जाएगा, अभी मैं बेवजह क्यों हीरो बनूं. मैम एक एक मैसेज देखती है मतलब. तो फिर आपने कल देखा होगा कि मैंने वो कवर पेज डाला चार्ट बुक का. ओके तो रिकॉग्नाइज लीज रिसीवेबल, डी रिकॉग्नाइज क्या करेगा डी? अच्छा हम ना फिलहाल मान के चल रहे हैं कि जो लेसर है ना वो नॉन डीलर है. लेसर कौन है? नॉन डीलर. क्योंकि ना इनिशियल रिकॉग्निशन डीलर का हल्का सा चेंज है, चेंज है. डी रिकॉग्नाइज क्या करेगा? असेट. अरे बोलो ना रे, किस वैल्यू पे? कैरिंग अमाउंट पे. अब यहां पर जो डिफरेंस आएगा वो कहां जाएगा? पी एंड एल इमीडिएटली. ठीक है, ये तो हो गया इनिशियल रिकॉग्निशन. अब आ जाओ सबसिक्वेंट मेजरमेंट. क्या होना चाहिए सबसिक्वेंट मेजरमेंट, जल्दी बोलो. सबसे कम मेजरमेंट किस किस चीज का? ऑब्वियसली एक ही चीज का, लीज रिसीवेबल का, क्योंकि यहां पर कोई एसेट तो है ही नहीं. तो लीज रिसीवेबल का सबसे कम मेजरमेंट क्या क्या होगा? सबसे पहले तो इंटरेस्ट इनकम बुक करेंगे, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट इनकम. फिर जब पेमेंट मिलेगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल. और एंड हर बैलेंस शीट डेट पर लीज रिसीवेबल शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग
जीआईएल, रिमेनिंग जीआईएल ना, तो एट एवरी बैलेंस शीट डेट लीज रिसीवेबल शुड बी इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग जीआईएल. आया समझ में कि नहीं? हाँ, मैं रिमेनिंग जीआईएल क्यों बोल रहा हूं? हो सकता है लीज पेमेंट बदल जाए, हो सकता है जीआरवी बदल जाए, हो सकता है यूजीआरवी बदल जाए. अरे बोलो रे, ठीक है. हाँ हाँ, तो वो बेसिकली वो पीएनएल का पार्ट हो जाएगा ना, इंटरेस्ट इनकम का पार्ट हो सकता है. ठीक है, नहीं फिजिकल तो ऐसे के पास चले गए ना मैम. हाँ, टाइटल नहीं गया है. मैक्सिमम रिस्क एंड रिवॉर्ड की बात कर रहा हूँ ना, दे दिया मैंने आपको कार के, नहीं किया है, क्योंकि क्योंकि मैंने आपको बोल दिया कि आखिरी साल में कार की 10 साल की लाइफ है, आप मुझे 9 साल के बाद वापस कर लोगे. तो सबसे रिस्क एंड रिवॉर्ड आपके, आप बियर करोगे? पेपर्स तो मैं आपको फोटोकॉपी करके दे दूंगा ना. क्यों नहीं चलता है मैम? दिक्कत क्या है? तो दिक्कत क्या है? ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुई तो प्रॉब्लम क्या है उसमें, ये बताइए प्रॉब्लम क्या है? मैं डीम्ड ओनर कौन है यहां पर? हम दोनों में ओनर लीगली मैं हूं, पर एक्चुअली असेट को बेनिफिट्स कौन ले रहा है? आप ले रहे हो ना, तो डीम्ड ओनर कौन हुआ? आप हुए. तो असेट को मैं अपनी बुक्स में क्यों दिखाऊं? मैं असेट को अपनी बुक्स में नहीं दिखाऊंगा. आप सोच रहे हो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम टैक्स वाले यही सोचते हैं कि भाई ओनर तो लेसर है ना, लेसर ही डेप्रिशन क्लेम करेगा, लेसर ही सब कुछ करेगा, लेसी कुछ नहीं कर सकता. तो डीटी रिटेल भी आएगा, बिल्कुल आएगा डीटी रिटेल. हाँ याद आया, याद आया, याद आया. मैंने ये कहा था कि मुझे याद दिला देना आखिरी में कि मैं डीटी रिटेल पर एक क्वेश्चन करवाऊं. हाँ गुड गुड गुड. अब ये भी याद आ जाएगा. हाँ अच्छा, आपने लेक्चर में ही सुन लिया क्या, उसमें रिकॉर्डिंग में सुना क्या? किसी पर टॉपिक में बोला होगा मैंने. मैं आप देखेंगे वो कौन सा वाला पॉइंट, कुछ पॉइंट आएगा तो मुझे याद आ जाएगा, कुछ आएगा पॉइंट तो मुझे याद आ जाएगा. हो सकता है. ठीक है, अरे क्लियर है कि नहीं? यहां तक पक्का क्लियर है? ये था नॉन डीलर लेसर का. डीलर लेसर क्या करेगा? अगर डीलर लेसर होगा तो क्या करेगा? वो रिकॉग्नाइज करेगा लीज रिसीवेबल एज यूजुअल, उसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है एट एनआईएल पे, पर वो डी रिकॉग्नाइज असेट नहीं करेगा क्योंकि उसकी बुक्स में असेट है ही नहीं. वो तो डीलर है, मैन्युफैक्चरर है, उसके लिए तो गुड्स है, इन्वेंट्री होगा, असेट है ही नहीं ना उसकी बुक्स में. So he has to book the sale, recognize revenue, or this revenue will be treated as revenue from contract with the customer, Ind AS 115. अरे lease receivable account debit, asset हो गई, पैसे मिलेंगे. To sale, lease receivable account debit, NIL पे, to sale, आया समझ में कि नहीं? मैंने इमीडिएटली बुक कर दिया इनकम. अब जो अगले साल से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा वो हर साल का इनकम होगा,
मुझे तो कुल मिला के जीआईएल, मुझे टोटल मिला के क्या मिल रहा है, जीआईएल। बात को समझो, जीआईएल, जीआईएल किससे बनता है, लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी। अब जीआईएल का प्रेजेंट वैल्यू क्या होता है, एनआईएल। तो इसका मतलब मैं बोल सकता हूं कि जीआईएल इज द सम ऑफ एनआईएल एंड इंटरेस्ट, क्योंकि आप प्रेजेंट वैल्यू कर रहे हो। जीआईएल इज बेसिकली द सम ऑफ एनआईएल एंड इंटरेस्ट। तो एनआईएल इज वॉट, द सेल पोर्शन यू आर रिकवरिंग राइट राइट नाउ। भाई अगर आज मैं एसेट बेच देता तो मुझे कितने का इनकम होना चाहिए आज के दिन, और बाकी मुझे बाय द पीरियड ऑफ टाइम, मैंने तेरे को एक तरीके से उधार दिया, फाइनेंस पे दिया मैंने तेरे को, तो मुझे उधार का पैसा कितना वापस मिलना चाहिए, इंटरेस्ट। तो आई एम बुकिंग द सेल इमीडिएटली, आई एम बुकिंग द सेल बेसिकली। अंडरस्टूड और नॉट, समझे कि नहीं? क्योंकि आपने मुझे लीज, बंदे का नाम ही है मैम, वो डेटर ही है एक तरीके से। लीज रिसीवेबल मींस द डेटर, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं लीज रिसीवेबल एक कॉमन परलेंसेस में वर्ड यूज कर रहा हूं, मतलब वो मेन हेड होगा लीज रिसीवेबल, अंदर नाम आएगा गौरव, नाम वही आएगा। लीज रिसीवेबल इज एज गुड एज अ डेटर, ट्रेड रिसीवेबल। क्योंकि लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, अरे तो लीज कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना, ऑनरशिप तो ट्रांसफर किए नहीं, इन्वेंटरी मुझे आप वापस करने वाले हो वो चीज, अरे आप मुझे वापस करोगे ना वो चीज, हाँ, क्योंकि डीम्ड ओनरशिप है, ट्रांसफर हो गई, डीम्ड ओनरशिप ट्रांसफर हुई। रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, अभी इतने से क्या पढ़ा रहा हूं, पूरी कहानी आप भूल गए ऐसे तो। सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो गए ना, आप अपने आप को उलझा रहे हो, सर ऐसा क्यों कर रहे हो। आप पहले तो ये समझो कि हम पढ़ क्या रहे हैं, हम फाइनेंस लीज पढ़ रहे हैं, फाइनेंस लीज में आप सब्सटेंशियल रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, तो आपने इसका मतलब असेट सेल कर दी। अब असेट सेल की इन्वेंट्री सेल की, ये पहले मुद्दा ये है, असेट सेल की तो आप नॉन डीलर हो, इन्वेंट्री सेल की तो सेल बुक कर, क्योंकि तेरी बुक्स में असेट तो है ही नहीं। असेट सेल की तो तेरी बुक्स में पहले असेट डेबिट कर रही हो, डेबिट दिख रही होगी, तू असेट को क्रेडिट कर रहा है। इन्वेंट्री सेल की तो तेरी बुक्स में कोई डेबिट थोड़ी दिख रहा है, तूने तो खर्चे किए तेरे पीएनएल में, तूने अपने पीएनएल में खर्चे किए ना डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसके मैच करने के लिए तेरे को सेल तो बुक करना पड़ेगा ना, ताकि तेरा जीपी हो। नहीं, सेल इमीडिएटली बुक हो गई, अब जो हर मंथली अमाउंट मेरे को मिलता जाएगा वो लीज रिसीवेबल, वो इस डेबिट का रिकवरी होगा, लीज रिसीवेबल ट्रेड रिसीवेबल से पैसा रिकवर होगा, और जो एडिशनल मिलेगा वो मेरा इंटरेस्ट होगा हर साल का, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल टू इंटरेस्ट इनकम। मतलब जो मुझे हर महीने या हर साल मिलेगा, दैट इज बेसिकली कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स, द रिकवरी ऑफ सेल विच आई हैव ऑलरेडी बुक्ड इनिशियली एंड द रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट फॉर एवरी मंथ। सेम चीज हो गया ना, हमने तो ये पढ़ा है ना कि इन्वेंट्री अगर असेट अगर तुम बेचते हो, इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर तुम असेट बेचते हो नहीं खरीदते हो, उधर खरीदने का था, और बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स में देते हो, तो आप असेट को बुक करोगे कैश प्राइस इक्विवेलेंट पे, बाकी का डिफरेंस आपका इंटरेस्ट होगा। तो ये भी तो वही कर रहा है कि आपने बेचा बियॉन्ड नॉर्मल क्रेडिट टर्म्स पे, तो आप कैश प्राइस इक्विवेलेंट पे मतलब एनआईएल पे बुक करोगे सेल, बाकी का आप फाइनेंस इनकम मानोगे पीएनएल में। तो ये तो वही है ना, दिक्कत क्या है? हाँ, सो जीआईएल इज नथिंग, इट इज जस्ट अ बेसिकली द इनिशियल रिकवरी ऑफ सेल एज वेल एज द एक्स्ट्रा इंटरेस्ट फॉर द कॉम्पनसेशन, बिकॉज तू मुझे लेट पेमेंट करेगा, तो मैं इमीडिएटली सेल बुक कर रहा हूं एनआईएल के बराबर, मतलब मैं सेल बुक कर रहा हूं इतना। आई बात समझ में कि नहीं? गाइस अंडरस्टूड और नॉट? अभी इसमें भी एक सीक्वेंस, अभी इसमें भी एक सस्पेंस है, सेल जरूरी है कि एनआईएल के बराबर ही बुक करूं? अभी रुक जाओ, अभी इसमें सस्पेंस है, तो पहले इसमें आइए इनिशियल रिकॉग्निशन पे। अब वन बाय वन करते करते अपन आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो वापस से थोड़ा सा चीजें क्लियर कर लूं, क्योंकि हो सकता है शायद ये आया हो कि सर उलझन हो गई, उलझन उलझन नहीं हुई, फाइनेंस लीज पढ़ रहे हैं हम लेसर के लिए। तो लेसर दो टाइप के होंगे, कौन से दो टाइप के? डीलर नॉन डीलर। प्लीज कृपया करके ना डीलर को भर भी बाहर कर दो, डीलर को भी मत लो अभी, सिर्फ माइंड में किसको लो? नॉन डीलर को, मतलब जिसका धंधा नहीं है लीज का, पर वो लीज पे दे रहा है, एक ही असेट वो लीज पर दे रहा है, बाकी अपना वो धंधा तो कोई दूसरा कर रहा है, तो वो एंट्री क्या पास करेगा? लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट, मतलब सन्ड्री डेटर अकाउंट डेबिट टू असेट। अब वो सन्ड्री डेटर मतलब लीज रिसीवेबल को कितने बुक करेगा? एनआईएल पे। एनआईएल क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल। हाँ,
तो जीआईएल का प्रेजेंट वैल्यू एनआईएल हो गया, तो बाकी का पोर्शन क्या हो गया? इंटरेस्ट। तो यही ले सर, हर साल थोड़ा थोड़ा क्या बुक करेगा? इंटरेस्ट बुक करेगा। पहली एंट्री क्या की उसने, फर्स्ट एंट्री क्या की उसने, बिगनिंग में कमेंसमेंट में लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट, असेट कितने पे गया? कैरिंग अमाउंट पे। लीज रिसीवेबल कितने पे बुक हुआ? एनआईएल पे। तो जो डिफरेंस आएगा वो क्या होगा? प्रॉफिट और लॉस ऑन लीज, गेन और लॉस ऑन लीज, कहां जाएगा? पीएनएल में। चलो हो गया, उसको डीपी मिला, बोलो डीपी की एंट्री, बोलो डीपी मिला, बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल। चलो डीपी मिल गया। अब फर्स्ट ईयर एंड हुआ, फर्स्ट ईयर एंड हुआ, तो जो डिस्काउंटिंग रेट उसने यूज किया था उसके लीज रिसीवेबल के ऊपर वो डिस्काउंटिंग रेट अप्लाई करेगा, क्योंकि पैसा मिलना है ना, तो वो डिस्काउंटिंग रेट अप्लाई करेगा लीज रिसीवेबल के ऊपर। क्या निकलेगा? फाइनेंस इनकम। क्या एंट्री होगी? फाइनेंस इनकम डेबिट नहीं होगी, क्रेडिट होगी। लीज रिसीवेबल अकाउंट, क्योंकि वो मुझे इनकम किससे मिलेगी? लेसी से मिलेगी ना, लीज पेमेंट के फॉर्म में। तो क्या एंट्री होगी? लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू फाइनेंस इनकम। फाइनेंस इनकम कहां जाएगी? पीएनएल में। क्या मैं डेप्रिसिएशन क्लेम करूंगा? नहीं, क्योंकि असेट जा चुकी है, टू असेट किया था ना मैंने, तो डेप्रिसिएशन मैं क्लेम नहीं करूंगा। वो तो कौन कर रहा है? आरओयू पे वो कर रहा है क्लेम। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अब ये मत पूछना सर इनकम टैक्स में ऐसा नहीं होता वैसा नहीं होता, वो डीटी रिटेल की बात करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब उसको पेमेंट मिलेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल। आई मेरी बात समझ में? ऐसा करते 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 10 साल हो गए, 10 साल बाद लेसर ने बोला असेट वापस कर। क्या एंट्री करेगा? वापस करने की, रीपोजिशन ऑफ असेट। क्या एंट्री वापस कर? असेट अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल, क्योंकि मेरी बुक्स में लीज रिसीवेबल दिख रहा होगा ना, जीआरवी और यूजीआरवी पे। मेरा एंड में असेट कितने पे आ चुका होगा? मेरे को सारे लीज पेमेंट मिल चुके हैं, मेरे को सारे लीज पेमेंट मिल चुके हैं। परचेस प्राइस ऑप्शन मान लो मैंने ऐड ही नहीं किया था, तो एंड में लीज रिसीवेबल बचेगा जीआरवी और यूजीआरवी के बराबर। अगर मुझे जीआरवी दे दे रहा है तो मेरा लीज रिसीवेबल बचेगा यूजीआरवी के बराबर। तो मैं एंट्री क्या करूंगा? असेट अकाउंट डेबिट टू लीज रिसीवेबल। फिर से जो भी डिफरेंस आएगा पीएनएल, या तो मैं असेट को उतने ही वैल्यू पे रिकॉर्ड कर दूंगा लीज रिसीवेबल के वैल्यू के बराबर जितना मैं डीरिकॉग्नाइज कर रहा हूं। मेरी अकाउंटिंग सिंपल सी है लेसर की, कि मेरे को अपनी बुक्स में दो बार इनकम बुक करनी है, एक इनिशियल इनकम बुक करनी है, ठीक है ना, इनिशियल इनकम बुक करनी है ना, लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू असेट और डिफरेंस जाएगा गेन और लॉस, और एक मुझे हर साल इनकम बुक करनी है इंटरेस्ट के रूप में। और अगर मैं डीलर हूं तो मुझे इनिशियल इनकम बुक करनी है सेल के रूप में, और हर साल इनकम बुक करनी है मुझे इंटरेस्ट के रूप में। समझ आ रहा है कि नहीं? So, ये इनिशियल रिकॉग्निशन आप लोग पढ़ लेंगे, सबसेक्वेंट पढ़ लीजिए, सबसेक्वेंट पढ़ लीजिए बेटा। अच्छा, इसको वेरिएबल पेमेंट्स मिलेंगे, जो वेरिएबल लीज पेमेंट मिलेंगे नॉट बेस्ड ऑन इंडेक्स और रेट, वो ये भी वही पीएनएल बुक करेगा, है ना। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आप जब पढ़ोगे तो लाइन लाइन से पढ़ो, पहले आप शुरू से ही पढ़ते जाओ, ये वाला पॉइंट डिस्कस करना है मुझे। यूजीआरवी के एस्टिमेट चेंज होते रहेंगे। इंसेप्शन में मैंने यूजीआरवी मानी थी 50,000, ठीक है, ईयर एंड पे 50,000 ही है, पर सेकंड ईयर के एंड में मान लो यूजीआरवी बढ़ गई 60,000, क्या मैं बढ़ा सकता हूं? पहला क्वेश्चन। या दूसरा क्वेश्चन, 50 के बदले 60 नहीं हुई, 50 के बदले 40 हो गई, क्या मैं घटा सकता हूं? उसका जवाब यहां पर लिखा हुआ है। यूजीआरवी शैल बी रिव्यूड एटलीस्ट वंस इन अ ईयर।
इफ देयर इज एनी रिडक्शन इन द एस्टिमेटेड यूजीआरवी द रिड्यूस्ड अमाउंट शैल बी टेकन इनटू अकाउंट दिस विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ फाइनेंस इनकम ऑफ द लेसर. अगर यूजीआरवी आप बाद में रीएस्टिमेट करते हो और आपकी यूजीआरवी ओरिजिनल एस्टिमेट से रिड्यूस होती है तो आप उसको रिड्यूस को कंसिडर करोगे. सब्सटेंस ओवर प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म अप्रोच. बट अगर आपकी यूजीआरवी इंसेप्शन वाली यूजीआरवी के एस्टिमेट से बढ़ जाती है, इग्नोर कर दोगे. अपोजिट ऑफ प्रूडेंस, अपोजिट हुआ ना प्रूडेंस का. मतलब प्रूडेंस कंसेप्ट में यही फॉलो किया अपन ने, मतलब अपन ने फोर्सिबल लॉसेस को कंसिडर कर सकते हैं, प्रॉफिट्स को नहीं. अच्छा मेरा सवाल, मेरा सवाल, फर्स्ट ईयर में यूजीआरवी आपने इंसेप्शन में अज्यूम किया 50, फर्स्ट ईयर के एंड में हो गया 40, क्या करेंगे? कंसिडर करेंगे ना. तो इसका मतलब क्या हुआ कंसिडर करने का? मतलब ये हुआ कि ईयर एंड पे लीज रिसीवेबल शुड बी इक्वल टू द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट, और रिमेनिंग लीज पेमेंट में यूजीआरवी 40,000 आएगी. हर साल के एंड में लीज रिसीवेबल कितने पे दिखाते हैं? एट एवरी बैलेंस शीट डेट. मैं समझ गया हूं कि आपको थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, बट प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड. मैं इसके बाद ब्रेक देने वाला हूं, ठीक है ना. पहले इस पॉइंट को ध्यान से सुन लो. एट एवरी बैलेंस शीट डेट आपका लीज रिसीवेबल कितने पे होना चाहिए? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग लीज पेमेंट प्लस यूजीआरवी, क्योंकि जीआईएल, रिमेनिंग जीआईएल ना. अभी तो कहीं लिखा था अपन ने, कहीं लिखा था यार, ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ रिमेनिंग जीआईएल. तो रिमेनिंग जीआईएल में यूजीआरवी लेना पड़ेगा ना. कौन सा यूजीआरवी लोगे? रिड्यूस्ड वाला 40,000. तो फर्स्ट ईयर के एंड में यूजीआरवी 40,000 हो गई. तो आप लीज रिसीवेबल को 40,000 के बेसिस पे निकालेंगे. डिस्काउंटिंग रेट चेंज नहीं करेंगे, क्योंकि यूजीआरवी जीआरवी चेंज करने में मार्केट चेंजेस, डिस्काउंटिंग रेट चेंज नहीं करेंगे. बोलो बेटा. अच्छा, सेकेंड ईयर में यूजीआरवी 30,000 हो गई, 30,000 के हिसाब से करेंगे. थर्ड ईयर में यूजीआरवी 60,000 हो गई, आप 50,000 तक वापस जा सकते हो, पर ओरिजिनल के ऊपर नहीं जाओगे. आप ओरिजिनल एस्टिमेट तक बने रह सकते हो, पर उसके ऊपर नहीं जाओगे. नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? विच वॉज एस्टिमेटेड इन द एट द इंसेप्शन. तो एनी इंक्रीज शैल नॉट बी कंसीडर्ड ओरिजिनली, बट अगर आफ्टर रिडक्शन इफ देयर इज एनी इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज कैन बी कंसीडर्ड ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ओरिजिनल एस्टिमेशन. आफ्टर रिडक्शन इन यूजीआरवी, इफ द यूजीआरवी इज नाउ इंक्रीज्ड नेक्स्ट इन द नेक्स्ट ईयर, वी कैन कंसीडर इट ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ ओरिजिनल एस्टिमेशन एट द इंसेप्शन डेट. Will not be remeasurement of UGRV over and above the original estimate shall be ignored. डिस्ट्रीब्यूटर बोलते हैं उसको. नहीं, एक्चुअली ना मैं वही बोलने वाला था, आपने एग्जाम्पल ही गलत लिया. यहाँ पर जो सीमेंट है, आपने मुझे बोला कि सर आदित्य बिरला का सीमेंट आता है और आदित्य बिरला ने पुणे में आपको एक डिस्ट्रीब्यूशन शिप दे दी कि आप पूरा डिस्ट्रीब्यूशन करोगे सीमेंट का आदित्य बिरला से लेके.
मैम ये लीज एग्रीमेंट नहीं हो सकता यहाँ पर। आदित्य बिरला आपको बेसिकली एक तरीके से सीमेंट बेच रहा है और आप आगे पास ऑन कर रहे हो, ठीक है ना। या तो फिर आप कमीशन एजेंट हो, आप एजेंट हो, आप सीमेंट डायरेक्टली आदित्य बिरला से बिलिंग करवा रहे हो डायरेक्टली क्लाइंट को। हाँ, यहाँ पर ऐसी चीज में लेना पड़ेगा डीलर नॉन डीलर का। यहाँ पर मेन आइडेंटिफाइड असेट देखनी पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड, आइडेंटिफाइड असेट मतलब यहाँ पर कोई टेंजिबल असेट होनी चाहिए, फिजिकली डिस्टिंक्ट टेंजिबल असेट होनी चाहिए। यहाँ पर गुड्स नहीं होने चाहिए। सीमेंट की बोरियां जो होंगी वो बेसिकली गुड्स होंगी। यहां पर मैं आपको एग्जाम्पल दे दूं तो यहां पर यू समझो, यहां पर यू समझो कि मशीन्स, यहां पर आप मशीन्स को कंसिडर कर सकते हो कि आप एक मशीन बनाते हो। आपने वो सुना होगा ना, डायलिसिस मशीन आती है हॉस्पिटल में, तो वो डायलिसिस मशीन एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और वो लीज पर देती है। हाँ, एम्बुलेंस वाला, तो एम्बुलेंस इज कंसिडर्ड एज अ फिजिकल टेंजिबल असेट। तो आपने एम्बुलेंस मतलब जो कंपनी है, कंपनी ने एम्बुलेंस मुझे लीज पर दे दी। हाँ ठीक है, मैं कंपनी का मतलब कंपनी एक तरीके से डीलर है इसमें, मैन्युफैक्चरर है, और कंपनी ने ये एम्बुलेंस मुझे दे दी जिसका पेमेंट मैं उसको बाय द पीरियड ऑफ टाइम थोड़ा थोड़ा करके करूंगा। एक लीज कॉन्ट्रैक्ट बन गया ये लेसी को, कस्टमर को मतलब हॉस्पिटल को। इन्वेंट्री किसकी हो गई? मैन्युफैक्चरर के लिए, जो उसने एम्बुलेंस दी बना के उसके लिए वो इन्वेंट्री हो गई। वो वैसे भी एम्बुलेंस बनाता है। हाँ यहां पर आप डीलर मतलब कौन डीलर? अच्छा, मैं समझ गया। सी देर आर टू पार्टीज, देर आर टू पार्टीज, वन थिंग, दो पार्टीज हैं यहां पर। एक सप्लायर, मैं सप्लायर से चल रहा हूं, एंड कस्टमर। सप्लायर कैन बी मैन्युफैक्चरर और डीलर, और नॉन डीलर और नॉन मैन्युफैक्चरर। अब आप मुझसे पूछो आप किसकी बात कर रहे हो, आप किसके पॉइंट से फोकस? अच्छा, ये कस्टमर जो है, कस्टमर इज अ लेसी। नहीं, आप उस सेंस में मत लो। मैन्युफैक्चरर डीलर एक ही बात है, या तो वो मैन्युफैक्चर कर रहा है या तो वो बल्क में खरीदता है और वो लीज पर देना शुरू करता है। बल्क में खरीदता है, लीज पर देना शुरू करता है। हाँ होलसेलर, चलो ठीक है होलसेलर। और ये जो है ये रिटेलर नहीं बोलेंगे अपन, ये बेसिकली उसका धंधा ही नहीं है डीलरशिप का। उसका धंधा ही नहीं, उसका धंधा कोई और है। इसके पास, नॉन डीलर के पास असेट कहां से आया? मैंने एक बिल्डिंग लिया था, मेरे पास चार बिल्डिंग रखे हैं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैं अपना मेरा मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है, कुछ और मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, गुड्स मैन्युफैक्चर करता हूं। मेरे पास चार बिल्डिंग है, मैंने एक बिल्डिंग आपको लीज पर दे दी, नॉन डीलर। आई एम नॉट अ डीलर इन बिल्डिंग्स, आई एम नॉट मैन्युफैक्चरिंग और कॉन्ट्रैक्टर ऑफ बिल्डिंग। आई जस्ट हैव माई ओन प्रॉपर्टी, आई एम गिविंग यू इन लीज। मैंने अपनी प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी मैंने आपको दे दी, किसके लिए? हॉस्टल बनाओ, हॉस्टल के लिए यूज करो, बना हुआ है सब, हॉस्टल के लिए यूज करो, मेरे को जब लगेगा मैं वापस ले लूंगा। नॉन डीलर, ओनर ओन्ड, हाँ वही हो गया। मान लो मैं ओनर ओन्ड नहीं बोलूंगा क्योंकि ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी थोड़ा सा वर्ड स्पेसिफिक हो गया। हाँ, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है कुल मिला के, इन्वेस्टमेंट। नॉन डीलर मीन्स द पर्सन हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नॉन डीलर मीन्स द लेसर, द सप्लायर हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हाँ वो नहीं समझ पा रही थी, सही बात है। वो उनको ऐसा लग रहा था कि डीलर क्या, डीलर मतलब कौन और नॉन डीलर मतलब कौन। हाँ
वो हाँ डीलर पे चले 2 मिनट, क्योंकि डीलर पे एक ही सिंगल पॉइंट डिस्कस करना है। डीलर एंट्री क्या करता है? लीज रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू सेल। अब सेल वो कितने वो करेगा, आइए। मैन्युफैक्चरर और डीलर लेसर शेल रिकॉग्नाइज द सेलिंग प्रॉफिट और लॉस इन द पीरियड इन अकॉर्डेंस विद द पॉलिसी फॉलोड बाय द एंटिटी फॉर आउटराइट सेल। अगर वो नॉर्मली सेल करता तो वो कितने में बुक करता वैसा। इनिशियल, ये क्या लिखा है, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द नेट इन्वेस्टमेंट इन द लीज। ये तो हमने पढ़ लिया था, इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द पेमेंट फ्रॉम द नेट इन्वेस्टमेंट लीज, मतलब वो आईआरआर में कंसीडर नहीं करेगा, लीज पेमेंट का पार्ट नहीं बनाएगा, वो डायरेक्टली अपने पीएनएल में डायरेक्ट एक्सपेंस डालेगा क्योंकि वो डीलर मैन्युफैक्चरर है। एंड आर रिकॉग्नाइज्ड एज एन एक्सपेंस व्हेन द सेलिंग प्रॉफिट इज रिकॉग्नाइज्ड व्हिच फॉर फाइनेंस लीज इज नॉर्मली एट द कमेंसमेंट ऑफ द लीज टर्म, मतलब वो कमेंसमेंट में ही वो बुक कर लेगा। मैन्युफैक्चरर और डीलर्स ऑफन ऑफर्स टू कस्टमर्स द चॉइस ऑफ इधर बाइंग और लीजिंग एन असेट। फाइनेंस लीज ऑफ एन असेट बाय मैन्युफैक्चरर डीलर गिव विल गिव राइज टू द टू टाइप ऑफ इनकम। मैं अभी वही बात कर रहा था कि डीलर को दो प्रकार की इनकम होगी। पहली कौन सी इनकम होगी? पहला प्रॉफिट लॉस इक्वल टू द प्रॉफिट लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम आउटराइट सेल, सेल करोगे तो जो भी उसको फायदा होता है, ऑफ द असेट बीइंग लीज्ड एट नॉर्मल सेलिंग प्राइस। एंड दूसरा कौन सा, फाइनेंस इनकम ओवर द लीज टर्म। एक होगी आउटराइट सेल, आउटराइट मतलब इमीडिएट सेल करने पर कितना फायदा हो रहा है, और दूसरा इमीडिएट सेल करने पर कितना फायदा हो रहा है, और दूसरा ओवर द लीज टर्म में उसको इनकम कितना मिल रहा है। दो टाइप की इनकम होगी डीलर को, होगी कि नहीं होगी। अब वो सेल रेवेन्यू कितने में बुक करेगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो सेल रेवेन्यू कितने में बुक करेगा, सेल रेवेन्यू बुक कितने पे करेगा, द लोअर ऑफ फेयर वैल्यू ऑफ असेट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स अक्रूइंग टू द लेसर। क्या, किसका लोअर, लोअर ऑफ क्या, लोअर ऑफ फिर से बोलना, फेयर वैल्यू ऑफ असेट एट इंसेप्शन, एट इंसेप्शन, और दूसरा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। इसमें यूजीआर भी नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो, लीज पेमेंट बोल दिया है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो यूजीआर भी वो मेरा सेल का पार्ट नहीं हो सकता, वो तो मिलेगा तो मैं इंटरेस्ट के फॉर्म में रिकवर दिखा दूंगा, मेरा सेल का पार्ट नहीं हो सकता यूजीआरवी, तो इसीलिए मैं सेल बुक करूंगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एलपी और फेयर वैल्यू ऑफ असेट विच एवर इज लोअर पे। एंट्री देखो क्या हो रही है, लीज रिसीवेबल नेट इन्वेस्टमेंट लीज टू सेल फेयर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट टू प्रॉफिट और लॉस टू प्रॉफिट ऑन सेल, मतलब बैलेंसिंग फिगर आउटराइट सेल पर जो भी इसको फायदा हुआ। अंडरस्टूड गाइस? इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट को वो डायरेक्टली पीएनएल में डालेगा, यहां तक क्लियर? सो गाइस दिस वाज अबाउट लेसर फाइनेंस लीज। क्या है लेसर फाइनेंस लीज में, समरी क्या है ओवरऑल लेसर्स का फाइनेंस लीज? दो चीजें क्या हो सकती हैं, डीलर नॉन डीलर, है ना। अगर मैं उसको एक ही चीज में कंबाइन करूं, डीलर नॉन डीलर का एक्सेप्शन बाद में डाल दूंगा, ओवरऑल एक ही चीज हो सकती है, क्या, लेसर हैज टू बुक, लेसर हैज टू रिकॉग्नाइज लीज रिसीवेबल एट एट एनआईएल नेट इन्वेस्टमेंट लीज। व्हाट इज नेट इन्वेस्टमेंट लीज, द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ जीआईएल। व्हाट इज जीआईएल, लीज पेमेंट्स प्लस यूजीआरवी। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ नॉन डीलर, नॉट टू बी कंसिडर्ड इन केस ऑफ डीलर। अब कंसिडर नॉन कंसिडर कैसे होते हैं वो प्लस और माइनस का मैंने प्रूव कर चुका हूं, वो छोड़ दो, ठीक है। नाउ What the lesser will book lease receivable? What the lesser will derecognize asset? But if he is a dealer, he will book the sale. Understood? If he is derecognizing the asset, then there will be the profit or loss on lease. Difference between carrying amount of asset and NIL. But if the lesser is booking the sale, there again may be a profit on sale. Because the sale value is booked at lower of fair value or present value of LP. And the lease receivable is booked at NIL. The difference will be treated as profit on sale. ठीक है? Every year the lesser will book finance income charge to P&L. The lesser will not charge depreciation. But under income tax the depreciation will be given to him. Now tell me the DT retail impact. अभी क्या भी बोल देते हैं? बताओ. Tell me the DT retail income impact. DT retail impact का मतलब ये हुआ कि मेरी books of accounts में asset नहीं दिख रही.
पर इनकम टैक्स के ब्लॉक में असेट दिख रही है क्योंकि डेप्रिसिएशन मिल रहा है, तो टैक्स बेस असेट का है, असेट का टैक्स बेस दिख रहा है, और मेरी बुक्स में टैक्स कैरिंग अमाउंट है ही नहीं। हम हमेशा कैरिंग अमाउंट को टैक्स बेस पर लेके आते हैं, मतलब हम असेट बनाएंगे तो वी हैव टू क्रिएट DTA। अंडरस्टूड और नॉट? हाँ, वन थिंग मोर अगेन, माय बुक्स आर शोइंग लीज रिसीवेबल एज असेट, बट अंडर इनकम टैक्स देयर इज नो लीज रिसीवेबल, तो DTL विल बी क्रिएटेड। सो वन साइडेड DTA विल बी क्रिएटेड, अदर साइडेड DTL विल बी क्रिएटेड, दोनों का नेट कर देंगे तो नेट DTDTL आ जाएगा। लीज रिसीवेबल का कैरिंग अमाउंट होगा जबकि टैक्स बेस जीरो होगा, असेट का टैक्स बेस होगा, कैरिंग अमाउंट जीरो होगा। इसका मतलब लीज रिसीवेबल और असेट की डिफरेंस पे डीटी बनेगा। असेट का वैल्यू ज्यादा है और अगर हाँ लीज रिसीवेबल का वैल्यू अगर बहुत ज्यादा है असेट से, हाँ कहने का मतलब लीज रिसीवेबल ज्यादा है तो वहां DTL आ जाएगी। लीज रिसीवेबल ज्यादा है तो DTL क्यों आएगी? क्योंकि लीज रिसीवेबल ज्यादा मतलब रेंट ज्यादा है, रेंट ज्यादा है तो फ्यूचर में रेंट मिलेगा, रेंट मिलेगा तो टैक्स लगेगा, DTL आ जाएगा। अंडरस्टूड और नॉट? तो आपको DTDTL निकालना है ऐसे करके। लेसी के केस में DTDTL ROU असेट दिखा रहा है जबकि टैक्स बेस तो है ही नहीं, टैक्स इनकम टैक्स में लेसी को असेट नहीं दिखाई जाती, तो क्या होगा? DTL बनेगा। अंडरस्टूड? जरूर, लेसर और लेसी, हाँ 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 ये मेन सेल्स ही तो है भाई, वो दो तरीके से सेल करता है, या तो वो हायर परचेस पे देता है, आपने हायर परचेस का एक चैप्टर पढ़ा हुआ है इंटरमीडिएट में, तो वो हायर परचेस पे देता है या तो वो आउटराइट सेल कर देता है, दोनों के केस में वो बुक सेल करता है, तो आप हायर परचेस पे दे रहे हो, हायर वेंडर हो आप, तो वो भी तो सेल बुक करता है, तो ये एक तरीके से हायर वेंडर है लेसर। श्योर? हाँ, ऐसा कोई अगर प्रैक्टिकल केस अगर मेरे किसी क्लाइंट का ऐसा कुछ आएगा तो डेफिनेटली आई विल शेयर विद यू कि क्या क्या चीजें हो रही हैं, कैसे हो रही हैं। श्योर श्योर, बिल्कुल नहीं नहीं मैम, बात ये नहीं है, आप समझो ना, लेसर तो पहले अकाउंटिंग लेसर की तो वैसे ही चलती आ रही है, तो अभी इंडेस 116 फॉलो हो चाहे नहीं हो, लेसर की अकाउंटिंग तो इंडेस 17 जो था, इंडेस 17 और AS 19, इंडेस 17 और AS 19 जो था उसमें भी वैसे ही सेम थी, तो वो तो ट्रांजिशन उस पर फर्क ही नहीं पड़ेगा, ट्रांजिशन फर्क पड़ेगा जब एक कंपनी लेसी है। ठीक है, नाउ कैन वी टेक अ ब्रेक, इट इज रिक्वायर्ड एक्चुअली, है ना, कैन वी टेक अ ब्रेक, सो टेकिंग द ब्रेक नाउ, और अब ब्रेक के बाद मुलाकात करते हैं, ठीक है ना, ब्रेक के बाद मिलते हैं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय माता दी।